तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है बैंग बैंग। यह मूवी 2 अक्टूबर 2014 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है। 100% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी के निर्माता फॉक स्टार स्टूडियो थे। वहीं इस मूवी के लेखक सुभाष नायर थे। इस मूवी में ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, डैनियल डिफोजा और जावेद जाफरी ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी का टोटल बजट 140 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ की कमाई करी। वहीं इस मूवी के संपादक आफिक अली थे। गाइस एक बात और, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी की स्टार्टिंग लंदन से शुरू होती है, जहाँ पर जमेन सिंह एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हमें दिखाई देते हैं। वो MI6 के एक हेडक्वार्टर में आए होते हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल टेररिस्ट एनडी को हाईटेक वाली जेल में रखा गया है, जहाँ जावेद जाफरी एज ए पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे इंडिया शिफ्ट किया जाएगा। एनडी बोलता है कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तभी कुछ देर बाद एनडी के कुछ टेररिस्ट हेडक्वार्टर में अटैक करते हैं। एनडी जावेद जाफरी को मारकर उस हेडक्वार्टर से निकल जाता है और अपने हेलीकॉप्टर में जाते हुए एक ही बात बोलता है कि उसे कोहिनूर चाहिए। अगले शॉट में दिखाया जाता है कि पूरी मीडिया में ये खबर फैली है कि किसी ने कोहिनूर चुरा लिया है। पूरी न्यूज़ में इस बात से हड़कंप मचा पड़ा है। अगले शॉट में हमें ऋतिक रोशन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में कोहिनूर होता है और वो इंडिया में भारी बारिश में घूम रहा होता है। वहीं मूवी का सीन शिमला की तरफ मूव किया जाता है, जहाँ में कैटरीना कैफ एज ए हीरोइन हमें दिखाई जाती है, जिसकी दादी उसे शादी करने के लिए कहती है। उसके बाद उसकी दादी की कुछ पुरानी बातें भी उसकी दादी कैटरीना को बताती है। इमेज पे हमें ऋतिक रोशन का चेहरा दिखाया जाता है, जो कोहिनूर चुराने की लिस्ट में शामिल होता है। वहीं कैटरीना एज ए जॉब वर्कर अपने बैंक में पहुँचती है और अपना काम शुरू करती है। वहीं कैटरीना अपने घर पहुँच कर डेट ऐप पर अपनी आईडी बनाती है, तथा जिससे कि वो किसी से डेट कर सके। वहीं पास के गांव में हमें ऋतिक रोशन को भी दिखाया जाता है, जो कुछ ब्लैक मैटर्स से मिलने आया होता है। वह एक क्यूब में कोहिनूर को दिखाता है। उन ब्लैक मैटर के कहने पर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद हमें जबरदस्त चेस सीन दिखाया जाता है, जिसमें ऋतिक रोशन वो बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कूदता नजर आता है, तो उन गुंडों को चश्मा देकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट एजेंट को दिखाया जाता है, जो कोहिनूर हीरे की खोज में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ यानी हमारी इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस अपने ब्लैंक डेट के लिए निकल पड़ती है और वो एक कैफे में पहुँचती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन भी, जो उन चोरों से भाग रहा था, कैटरीना को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो भी कैफे में घुस जाता है। कैटरीना को लगता है कि वही उसका ब्लैंक डेट कर है और हमारा हीरो भी अपने आप को उसका डेटर बनाकर प्रेजेंट करता है और उसके साथ डेट करने लगता है। इसके बाद हमें एक बेहतरीन डांस प्रोग्राम दिखा जाता है, जिसमें ऋतिक और कैटरीना बहुत झूम कर नाचते हैं। हमारे हीरो और हीरोइन दोनों बहुत बात भी करते हैं। इसके बाद उसे सामला वाला एक गुंडा मिल जाता है, जो उसके पीछे कोहिनूर के लिए लगा होता है। इसी बीच ऋतिक अपना कोहिनूर बॉक्स कैटरीना के बैग में डाल देता है। इसके बाद कैटरीना अपने वॉशरूम में चली जाती है, अपने आप से ही कुछ अजीब अगरी बातें करने लगती हैं। लेकिन ऋतिक बाहर उन गुंडों के साथ हाथापाई करने लगता है, तोड़फोड़ इतनी हो जाती है। उसके बाद ऋतिक वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जब कैटरीना वॉशरूम से वापस आती है, तो
कैफे का मैनेजर उसे पूरे कैफे का बिल थमा देता है। ट्रिना किसी तरह मैनेजर को मनाकर और अपने पोएम के बॉस का विजिटिंग कार्ड देकर वहां से निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए वेदिक उसकी गाड़ी से दोबारा टकरा जाता है। तब वह कटरीना को बताता है कि वह उसके साथ डेट करने नहीं आया था, बल्कि वो कोई और ही है और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। कटरीना उसे पीने के लिए पानी देती है, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं अपनी गोली अपनी बॉडी से निकाल लूँ। तब वह अपनी फुल स्टैंड बॉली को कटरीना को दिखाता है, जिसे देखा कटरीना फिदा हो जाती है। उसी पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर कटरीना को दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद कटरीना अगले दिन अपने सीधा घर में उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इस तरह अपने घर वापस आई। उसके बाद कटरीना ऋतिक के ख्यालों में इतना खो जाती है कि हर वक्त उसका ही ध्यान करती रहती है। जब वह बैंक में काम कर रही होती है तो वही इंडियन गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑफिसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा कि तुम्हें उस चोर के साथ देखा गया जिसने कोई नूट चुराया है। ट्रिना उसे अपना वारंट दिखाने को बोलती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। वहीं ऋतिक के बताए तरीके के अनुसार गाड़ी में एक बंदूक होनी चाहिए। तो वह सीट के नीचे से एक बंदूक निकालती है और पुलिस पर अनचाहा अटैक करने लगती है। इसी बीच ऋतिक भी बाइक राइडिंग करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और कैटरीना को लेकर भागने लगता है और पीछे पुलिस पड़ जाती है। वहीं पीछे कुछ गुंडे भी पड़े होते हैं, लेकिन कैटरीना उसकी एक बात नहीं सुनती। उसी तरह ऋतिक गुंडों को फेल ही रहा होता है और कि कैटरीना उसके पास से निकल जाती है और उसके सामने उसका बॉस आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके बॉस का कार्ड उसने कैफे में दिया था जिसकी वजह से पुलिस उसे ही टॉर्चर कर चुकी है। वहीं ऋतिक आकर उसके बॉस की टांग पर एक गोली मारता है। उसके बाद ऋतिक उसके बॉस की गाड़ी और कैटरीना दोनों को उठाकर निकल जाता है। कैटरीना गाड़ी में जाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम हॉट हो, लेकिन तुम गोली ऐसे चलाते हो, इतने मतलब गुंडे क्यों पड़े तुम्हारे पीछे। ऋतिक आगे गाड़ी रोक कर एक दूसरी गाड़ी का डिक्की और लॉक खोल देता है। उसके बाद वह कैटरीना को उसकी चाबी देता है और बोलता है कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन कैटरीना उसी के साथ जाना पसंद करती है। गाड़ी एक्सचेंज करने के बाद भी पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। कुछ पुलिस वाले उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में होते हैं। इसके बाद ऋतिक सैटेलाइट से अपना घर का नज़ारा देखता है और कैटरीना को अपने पास्ट वाले इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है, जिससे कैटरीना पूरी तरह उसके बारे में नहीं जान पाती। ऋतिक कैटरीना को बस इतना बताता है कि वह डेहराडून पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहीं वह गाड़ी रोक कर एक पिज्जा स्टेशन में पहुँचते हैं, जहाँ वह कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पिज्जा ऑर्डर करते हैं। वहीं वह कैटरीना को बताता है कि उसके पीछे गुंडे और पुलिस क्यों पड़े हैं, क्योंकि उसने कोई नोट चुराया है। वहीं सीक्रेट एजेंसी का ऑफिसर भी वहां बैठा होता है, जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और कैटरीना और ऋतिक को ना भागने की सलाह देता है। वहीं एजेंट कैटरीना को निर्दोष समझता है और ऋतिक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतिक कैटरीना के कनपटी पर बंदूक रख कर उसके साथ खाई में कूद जाता है। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को गाड़ी में ले जाता है, जहाँ पर फिर सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पर कैटरीना अपने आप को एक बीच पे पाती है और उसके कपड़े भी एक्सचेंज होते हैं। तब वह पूछता है कि मेरे कपड़े किसने एक्सचेंज करे। तब ऋतिक बताता है कि उसने बिना देखे तुम्हारे कपड़े एक्सचेंज करे हैं। कैटरीना गुस्से में ऋतिक का फ़ोन ले जाती है और नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है। नेटवर्क मिलते ही वह दादी को कॉल करती है, जिससे पुलिस एजेंसी और सीक्रेट एजेंसी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक के पास वापस आती है। उसके बाद कैटरीना पूछते हैं कि तुमने कोहिनूर चोरी क्यों किया। तब वह बताता है कि उसने डेनेडी के लिए इस कोहिनूर की चोरी की है, लेकिन वो डेनेडी को इस कोहिनूर का एक भी हिस्सा नहीं देगा। ऋतिक कैटरीना को यह बताता है कि वो आखिरकार सब कुछ समझ जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे उसका साथ देना होगा। उसके बाद कुछ गुंडे चेस करते हुए उस टापू पर भी पहुंच जाते हैं, जहां पर कैटरीना और ऋतिक भागने लगते हैं। उसके बाद ऋतिक उन गुंडों में से किसी एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे डेनेडी का एड्रेस पूछता है। तब वह बताता है कि डेनेडी का एड्रेस उसे नहीं पता, वो हमारे धमाल 2 और धमाल 1 के मानव का एड्रेस ऋतिक रोशन को दे देता है। उसके बाद ऋतिक रोशन अपना स्विमिंग
कॉस्ट्यूम पहनकर और फुल स्पीड में स्विमिंग करता हुआ और गोलियां चलाता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो गुंडों पर अटैक भी करता है। उसके बाद दीपक और कैटरीना एक दूसरे बीच से पहुँचते हैं जहाँ पर वो ट्रेन पकड़कर पानपराग पहुँच जाते हैं। कैटरीना ये देखकर हैरान होती है कि उसने बिना वीजा और लाइसेंस के पानपराग पहुँच गई है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक को बताती है कि उसने उसके बीच पे ले जाकर और पानपराग लाकर उसके सपने पूरे किए हैं। उसके बाद कैटरीना ऋतिक से पूछती है कि उसका सपना क्या है, तब वह बताता है कि उसे अपने घर जाना है। उसके बाद हमें कैटरीना और ऋतिक के बीच कुछ रोमांटिक सीन वाले गाने दिखाए जाते हैं। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को एक ड्रेस ऑफर करता है और एक पार्टी में चलने को बोलता है। पार्टी में चलने से पहले कैटरीना बताती है कि उसे किस करना नहीं आता, जिसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक किस होता है। कि ऋतिक का प्लान नंबर टू वाले मानव का पीछा करना था और वो उसी पार्टी में मिलने वाला था। उसके बाद पार्टी में जाने के बाद ऋतिक कैटरीना को फाइनली एक ड्रामा क्रिएट करने को बोलता है, जिसमें कैटरीना माँ के सामने ऋतिक को एक तमाचा मारती है। उसके बाद मानव यानी हमारा धमाल वाला मानव कैटरीना से मिलने आता है। इसके बाद ऋतिक के कहने पर कैटरीना उसे कोहिनूर का ऑफर देती है, जिसे हमारा धमाल वाला मानव ना नहीं कह पाता और उससे मिलने चल देता है। लेकिन ऋतिक उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि उसे डैनिडी का एड्रेस चाहिए, लेकिन वो डैनिडी का एड्रेस नहीं देता। तभी मानव के कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें मानव बुरी तरह से मारा जाता है और ऋतिक वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है। दूसरी तरफ वही सीक्रेट एजेंसी जो इंडिया में ऋतिक का पीछा कर रही थी कैटरीना को उठा लेती है और बोलती है कि कैटरीना ऋतिक एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक चोर है और उसने अभी धमाल टू वाले मानव को भी मार दिया है, जिसका सारा इंजाम वह तुम्हारे सर पर भी डाल सकते हैं, इसलिए अगर बचना चाहती हो तो ऋतिक को हमारे पे पकड़वाने में मदद करो। उसके बाद कैटरीना को वह एक ट्रांसमीटर देते हैं और बोलते हैं कि जब ऋतिक तुम्हारे पास हो तब यह ट्रांसमीटर दबा देगा, हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना इतनी चिड़ी हुई होती है कि उससे बेफालतू के सवाल करने लगती है। ऋतिक को उसकी पास सुनकर उस पर शक होता है, इसलिए वह उसे पुल के पास से गुजरने को बोलता है। बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके पास एक ट्रांसमीटर है, जिसे ऋतिक को दबा देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच जाती है, जो ऋतिक पर अटैक करती है और ऋतिक को एक गोली भी लग जाती है, जिसके बाद वो पानी में कूद जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया है। इसके बाद कैटरीना को भी उसके घर ड्रॉप कर दिया जाता है। घर आने के बाद कैटरीना और भी दुखी होने लगती है और हर बार उसके बारे में सोचने लगती है। उसके बाद उसे उस घर का मैप याद आता है जहाँ पर ऋतिक उसकी फ़ोटो सैटेलाइट से देख रहा था। तब वह उस सैटेलाइट वाले घर की मदद से उसके घर पर पहुँचती है, तब जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पिता और माँ से होती है। उसके पिता बताते हैं कि ऋतिक एक मिलिट्री वाला है। मैं उसके पिता दिखाते हैं कि उसके बड़े बेटे के तहत लंदन में होते हैं, जहाँ पर डैनिडी ने उसे मार दिया था। डैनिडी ने शुरुआती दौर में जिस ऑफिसर को मारा था वो ऋतिक का बड़ा भाई था। ऋतिक के पिता उसे ये भी बताते हैं कि वो 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। उसके बाद कैटरीना को यकीन हो जाता है कि ऋतिक अभी भी जिंदा है और वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौटने लगती है। घर लौटते समय ही उसे कुछ गुंडे उठा देते हैं और सीधा डैनिडी के अड्डे पर ले जाते हैं। उसके बाद डैनिडी को हमें दिखाया जाता है, जिसके पास कोहिनूर होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि कोहिनूर तो सीक्रेट एजेंसी के पास पहुंच गया था, जिसे ऋतिक ने कैटरीना को मरते समय पहले ही दे दिया था। हमें पता चलता है सीक्रेट एजेंसी का वो ऑफिसर जो ऋतिक के पीछे लगा था वो डैनिडी के साथ मिला हुआ है। डैनिडी हथौड़े से वो कोहिनूर हीरा तोड़ देता है और बताता है कि कोहिनूर किसी हथौड़े से नहीं टूटा जा सकता और बार बार उससे पूछता है कि असली कोहिनूर हीरा कहाँ है। कैटरीना तब तक उन्हें कुछ नहीं बताती, लेकिन जब उसे एक सच्चाई बोलने वाला इंजेक्शन लगा जाता है तब वह बोलती है कि ऋतिक अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो तो मेरे जरिए तुम्हारा पीछा करना चाहता है, तुम ही अपना एड्रेस लेकर मुझे तक यहाँ पहुँच जाएगा, वो मेरे जरिए यहाँ तक पहुँचना चाहता था और वो जल्द ही यहाँ पर होगा। हमें ऋतिक को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और डेजर्ट में डैनिडी के इलाके में पहुंच गया है और सबको एक एक करके मारते हुए और कुछ स्टिकी बॉम्ब
ऐड करते हुए सीधा मेन प्लेस में एंटर करता है, जहां पे उसका मुकाबला डेनेडी से और उसके नमक हराम ऑफिसर से होता है। उसके बाद वह डेनेडी को बताता है कि जिस ऑफिसर को उसने लंदन में मारा था वो उसका बड़ा भाई था। उसके बाद ऋतिक यह भी बताता है कि MI6 ने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया, जहां पर उसने कोहिनूर चुराने का नाटक किया, जबकि कोहिनूर तो आज तक चोरी हुआ ही नहीं था, वो अपनी जगह अभी तक सेफ है। उसके बाद ऋतिक ये सब बताते ही उसके बनाए स्टिकी बम वहां पर धमाका कर शुरू कर देते हैं, जिससे सब कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वहीं ऋतिक डेनेडी के सारे गुंडों को मार देता है। कैटरीना के होने वाले नशे के कारण वो उसे अलग ही बोलती है और अपना आपको उसके सामने प्रपोज करती है। उस धमाके में डेनेडी बच जाता है और गाड़ी से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक कैटरीना को लेकर बाइक पर उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद ऋतिक और कैटरीना को वो ब्रिज पर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ब्रिज पर डेनेडी के आदमियों के साथ उसका मुकाबला होता है। लेकिन डेनेडी दूसरी तरफ अपने पुलिस ऑफिसर और कैटरीना के साथ जेटपैक पकड़कर उड़ने की कोशिश करता है। ऋतिक रोशन एक फास्ट ट्रैक कार चलाकर उसके इलाके तक पहुंचता है, जहां पर वो जेटपैक पकड़ने वाला होता है। उसके बाद कैटरीना जो जेटपैक में होती है एक गुंडे से उसका बंदूक छीनकर प्लेन में गोले चलाना शुरू करती है, जिससे वहां पर आग लग जाती है, जिसके बाद डेनेडी से साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को भी वह गोली मार देता है। डेनेडी के जैकपैट में ऋतिक रोशन कूद जाता है और उसका DN करके उस जैकपैट से कूद जाता है। उसके बाद हमें अगले शॉट में वो एक हॉस्पिटल में मिलता है। हॉस्पिटल में हमें उसी सीक्रेट एजेंट के सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है, जो उसकी तारीफ करता है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर उसे बोलता है कि उसे सीक्रेटली एक एजेंट बनकर उसके लिए काम करना होगा। तब बोलता है कि तुम अभी घर नहीं जा सकते और दुनिया की नज़र में तुम मर चुके हो, तुम्हें एक एजेंट बनाकर नए नए मिशन पर भेजा जाएगा। उसके बाद कैटरीना एक फेक नर्स बनकर ऋतिक को वहां से ले जाती है और उसे उसके अपने घर ले जाती है। इसके बाद फाइनली ऋतिक अपने घर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसका ये सपना भी पूरा हो जाता है। यही मूवी का एंड हो जाता है। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप? तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जाए उस मूवी का नाम है बैंग बैंग। यह मूवी 2 अक्टूबर 2014 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है। 100% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5/10 है। इस मूवी के निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो थे। वहीं इस मूवी के लेखक सुभाष नायर थे। इस मूवी में ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, डेनोट फोजा और जावेद जाफरी ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी का टोटल बजट 140 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ की कमाई करी। वहीं इस मूवी के संपादक आफिक अली थे। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी की स्टार्टिंग लंदन से शुरू होती है, जहाँ पर जमीन सिंह एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हमें दिखाई देते हैं। वो MI6 के एक हेडक्वार्टर में आए होते हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल टेररिस्ट डेनेडी को हाईटेक वाली जेल में रखा गया है, जहाँ जावेद जाफरी एज ए पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे इंडिया शिफ्ट किया जाएगा। डेनेडी बोलता है कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तभी कुछ देर बाद डेनेडी के कुछ टेररिस्ट हेडक्वार्टर में अटैक करते हैं। डेनेडी जावेद जाफरी को मारकर उस हेडक्वार्टर से निकल जाता है और अपने हेलीकॉप्टर में जाते हुए एक ही बात बोलता है कि उसे कोहिनूर चाहिए। अगले शॉट में दिखाया जाता है कि पूरी मीडिया में ये खबर फैली है कि किसी ने कोहिनूर चुरा लिया है। पूरी न्यूज़ में इस बात से हड़कंप मचा पड़ा है। अगले शॉट में हमें ऋतिक रोशन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में कोहिनूर होता है और वो इंडिया में भारी बारिश में घूम रहा होता है। वहीं मूवी का सीन शिमला की तरफ मूव किया जाता है।
जहाँ में कटरीना कैफ एज ए हीरोइन हमें दिखाई जाती है, जिसकी दादी उसे शादी करने के लिए कहती है। उसके बाद उसकी दादी की कुछ पुरानी बातें भी उसकी दादी कटरीना को बताती है। इन न्यूज़ पे हमें ऋतिक रोशन का चेहरा दिखाया जाता है, जो कोहिनूर चुराने की लिस्ट में शामिल होता है। वहीं कटरीना एज ए जॉब वर्कर अपने बैंक में पहुँचती है और अपना काम शुरू करती है। वहीं कटरीना अपने घर पहुंचकर डेट ऐप पर अपनी आईडी बनाती है तथा जिससे कि वो किसी से डेट कर सके। वहीं पास के गांव में हमें ऋतिक रोशन को भी दिखाया जाता है, जो कुछ ब्लैक मैटर्स से मिलने आया होता है। वह एक क्यूब में कोहिनूर को दिखाता है। उन ब्लैक मैटर के कहने पर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद हमें जबरदस्त चेस सीन दिखाया जाता है, जिसमें ऋतिक रोशन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता नजर आता है, तो उन गुंडों को चश्मा देकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट एजेंट को दिखाया जाता है, जो कोहिनूर हीरे की खोज में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कटरीना कैफ यानी हमारी इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस अपने ब्लैंक डेट के लिए निकल पड़ती है और वो एक कैफे में पहुँचती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन भी, जो उन चोरों से भाग रहा था, कटरीना को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो भी कैफे में घुस जाता है। कटरीना को लगता है कि वही उसका ब्लैंक डेट कर है और हमारा हीरो भी अपने आप को उसका डेटर बनाकर प्रेजेंट करता है और उसके साथ डेट करने लगता है। इसके बाद हमें एक बेहतरीन डांस प्रोग्राम दिखा जाता है, जिसमें ऋतिक और कटरीना बहुत झूम कर नाचते हैं। हमारे हीरो और हीरोइन दोनों बहुत बात भी करते हैं। इसके बाद उसे सामला वाला एक गुंडा मिल जाता है, जो उसके पीछे कोहिनूर के लिए लगा होता है। इसी बीच ऋतिक अपना कोहिनूर बॉक्स कैटरीना के बैग में डाल देता है। इसके बाद कैटरीना अपने वॉशरूम में चली जाती है और अपने आप से ही कुछ अजीब और गरीब बातें करने लगती हैं। लेकिन ऋतिक बाहर उन गुंडों के साथ हाथापाई करने लगता है, टोल फोड इतनी हो जाती है। उसके बाद ऋतिक वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जब कटरीना वॉशरूम से वापस आती है तो कैफ़े का मैनेजर उसे पूरे कैफ़े का बिल थमा देता है। कटरीना किसी तरह मैनेजर को मनाकर और अपने पोएम के बॉस का विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए ऋतिक उसकी गाड़ी से दोबारा टकरा जाता है। तब वह कटरीना को बताता है कि वह उसके साथ डेट करने नहीं आया था, बल्कि वो कोई और ही है और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। कैटरीना उसे पीने के लिए पानी देती है, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं अपनी गोली अपनी बॉडी से निकाल लूँ। तब वह अपनी फुल स्टैंड बॉली को कैटरीना को दिखाता है, जिसे देखकर कैटरीना फिदा हो जाती है। लेकिन ऋतिक उसी पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर कैटरीना को दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद कैटरीना अगले दिन अपने सीधा घर में उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इस तरह अपने घर वापस आई। उसके बाद कैटरीना ऋतिक के ख्यालों में इतना खो जाती है कि हर वक्त उसका ही ध्यान करती रहती है। जब वह बैंक में काम कर रही होती है तो वही इंडियन गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑफिसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि तुम्हें उस चोर के साथ देखा गया है जिसने कोहिनूर चुराया है। कैटरीना उसे अपना वारंट दिखाने को बोलती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। वहीं ऋतिक के बताए तरीके के अनुसार गाड़ी में एक बंदूक होनी चाहिए। तो वह सीट के नीचे से एक बंदूक निकालती है और पुलिस पर अनचाह अटैक करने लगती है। इसी बीच ऋतिक की बाइक राइडिंग करता हुआ वहां पहुंच जाता है और कैटरीना को लेकर भागने लगता है। वह पीछे पुलिस पड़ जाती है, वहीं पीछे कुछ गुंडे भी पड़े होते हैं, लेकिन कैटरीना उसकी एक बात नहीं सुनती। इसी तरह ऋतिक गुंडों को पेल ही रहा होता है और कि कटरीना उसके पास से निकल जाती है और उसके सामने उसका बॉस आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके बॉस का कार्ड उसने कैफे में दिया था, जिसकी वजह से पुलिस उसे भी टॉर्चर कर चुकी है। वहीं ऋतिक आकर उसके बॉस की टांग पर एक गोली मारता है। उसके बाद ऋतिक उसके बॉस की गाड़ी और कटरीना दोनों को उठाकर निकल जाता है। कटरीना गाड़ी में जाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम हॉट हो, लेकिन गोलियाँ क्यों चलाते हो, इतने मतलब गुंडे क्यों पड़े हैं तुम्हारे पीछे। ऋतिक आगे गाड़ी रोककर एक दूसरी गाड़ी का डिक्की और लॉक खोल देता है। उसके बाद वह
कैटरीना को उसकी चाबी देता है और बोलता है कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन कैटरीना उसी के साथ जाना पसंद करती है। गाड़ी एक्सचेंज करने के बाद भी पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। कुछ पुलिस वाले उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में होते हैं। इसके बाद ऋतिक सैटेलाइट से अपना घर का नज़ारा देखता है और कैटरीना को अपने पास्ट वाले इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है, जिससे कैटरीना पूरी तरह उसके बारे में नहीं जान पाती। ऋतिक कैटरीना को बस इतना बताता है कि वह डेयरग्रून पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहीं वह गाड़ी रोककर एक पिज्जा स्टेशन में पहुँचते हैं, जहाँ वे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। वहीं वह कैटरीना को बताता है कि उसके पीछे गुंडे और पुलिस क्यों पड़े हैं, क्योंकि उसने कोहिनूर चुराया है। वहीं सीक्रेट एजेंसी का ऑफिसर भी वहाँ बैठा होता है, जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और कैटरीना और ऋतिक को ना भागने की सलाह देता है। वहीं एजेंट कैटरीना को निर्दोष समझता है और ऋतिक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतिक कैटरीना के कनपटी पर बंदूक रखकर उसके साथ खाई में कूद जाता है। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को गाड़ी में ले जाता है, जहाँ पर फिर सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पर कैटरीना अपने आप को एक बीच पे पाती है और उसके कपड़े भी एक्सचेंज होते हैं। तब वह पूछता है कि मेरे कपड़े किसने एक्सचेंज करे। तब ऋतिक बताता है कि उसने बिना देखे तुम्हारे कपड़े एक्सचेंज करे हैं। कैटरीना गुस्से में ऋतिक का फ़ोन ले जाती है और नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है। नेटवर्क मिलते ही वह बताती को कॉल करती है, जिससे पुलिस एजेंसी और सीक्रेट एजेंसी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक के पास वापस आती है। उसके बाद कैटरीना पूछती है कि तुमने कोहिनूर चोरी क्यों किया। तब वह बताता है कि उसने डेनेडी के लिए इस कोहिनूर की चोरी की है, लेकिन वो डेनेडी को इस कोहिनूर का एक भी हिस्सा नहीं देगा। ऋतिक कैटरीना को यह भी बताता है कि वो आखिरकार सब कुछ समझ जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे उसका साथ देना होगा। उसके बाद कुछ गुंडे चेस करते हुए उस टापू में भी पहुंच जाते हैं, जहां पर कैटरीना और ऋतिक भागने लगते हैं। उसके बाद ऋतिक उन गुंडों में से किसी एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे डेनेडी का एड्रेस पूछता है। तब वह बताता है कि डेनेडी का एड्रेस उसे नहीं पता, वो तो हमारे धमालू और धमालवंत के मानव का एड्रेस ऋतिक रोशन को दे देता है। उसके बाद ऋतिक रोशन अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर और फुल स्पीड में स्विमिंग करता हुआ और गोलियां चलाता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है, साथ ही साथ वो गुंडों पर अटैक भी करता है। उसके बाद ऋतिक और कैटरीना एक दूसरे बीच से पहुँचते हैं, जहां पर वो ट्रेन पकड़ कर पानपराग पहुँच जाते हैं। कैटरीना ये देखकर हैरान होती है कि उसने बिना वीजा और लाइसेंस के पानपराग पहुँच गई है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक को बताती है कि उसने उसके बीच पर ले जाकर और पानपराग ला कर उसके सपने पूरे किए हैं। उसके बाद कैटरीना ऋतिक से पूछती है कि उसका सपना क्या है। तब वह बताता है कि उसे अपने घर जाना है। उसके बाद हमें कैटरीना और ऋतिक के बीच कुछ रोमांटिक सीन वाले गाने दिखाए जाते हैं। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को एक ड्रेस ऑफर करता है और एक पार्टी में चलने को बोलता है। पार्टी में चलने से पहले कैटरीना बताती है कि उसे किस करना नहीं आता, जिसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक किस होता है, क्योंकि ऋतिक का प्लान नमार्टो वाले मानव का पीछा करना था और वो उसी पार्टी में मिलने वाला था। उसके बाद पार्टी में जाने के बाद ऋतिक कैटरीना को फाइनली एक ड्रामा क्रिएट करने को बोलता है, जिसमें कैटरीना माँ के सामने ऋतिक को एक तमाचा मारती है, जिसके बाद मानव यानी हमारा धमाल वाला मानव कैटरीना से मिलने आता है। इसके बाद ऋतिक के कहने पर कैटरीना उसे कोहिनूर का ऑफर देती है, जिसे हमारा धमाल वाला मानव ना नहीं कह पाता और उससे मिलने चल देता है, लेकिन ऋतिक उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि उसे डेनेडी का एड्रेस चाहिए, लेकिन वो डेनेडी का एड्रेस नहीं देता। तभी मानव के कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें मानव बुरी तरह से मारा जाता है और ऋतिक वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है। उसी तरफ वही सीक्रेट एजेंसी जो इंडिया में ऋतिक का पीछा कर रही थी कैटरीना को उठा लेती है और बोलती है कि कैटरीना ऋतिक एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक चोर है और उसने अभी धमालू वाले मानव को भी मार दिया है, जिसका सारा इंजाम वह तुम्हारे सर पे भी डाल सकते हैं, इसलिए अगर बचना चाहती हो तो ऋतिक को हमारे पे पकड़वाने में मदद करो। उसके बाद कैटरीना को वह एक ट्रांसमीटर देते हैं और बोलते हैं कि जब ऋतिक तुम्हारे पास हो तब यह ट्रांसमीटर दबा देना, हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन
कैटरीना इतनी चिड़ी हुई होती है कि उससे बेफालतू के सवाल करने लगती है। ऋतिक को उसकी बात सुनकर उस पर शक होता है, इसलिए वह उसे पुल के पास से गुजरने को बोलता है। बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके पास एक ट्रांसमीटर है जिसे ऋतिक दबा देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच जाती है जो ऋतिक पर अटैक करती है और ऋतिक को एक गोली भी लग जाती है जिसके बाद वो पानी में कूद जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया है। इसके बाद कैटरीना को भी उसके घर ड्रॉप कर दिया जाता है। घर आने के बाद कैटरीना और भी दुखी होने लगती है और हर बार उसके बारे में सोचने लगती है। उसके बाद उसे उस घर का मैप याद आता है जहाँ पर ऋतिक उसकी फ़ोटो सैटेलाइट से देख रहा था। तब वह उस सैटेलाइट वाले घर की मदद से उसके घर पर पहुँचती है, तब जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पिता और माँ से होती है। उसके पिता बताते हैं कि ऋतिक एक मिलिट्री वाला है। मैं उसके पिता दिखाते हैं कि उसके बड़े बेटे के तहत लंदन में होती जहाँ पर डेनेंडी ने उसे मार दिया था। डेनेंडी ने शुरुआती दौर में जिस ऑफिसर को मारा था वो ऋतिक का बड़ा भाई था। ऋतिक के पिता उसे ये भी बताते हैं कि वो 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। उसके बाद कैटरीना को यकीन हो जाता है कि ऋतिक अभी भी जिंदा है और वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौटने लगती है। घर लौटते समय ही उसे कुछ गुंडे उठा देते हैं और सीधा डेनेडी के अड्डे पर ले जाते हैं। उसके बाद डेनेडी को हमें दिखाया जाता है जिसके पास कोहिनूर होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि कोहिनूर तो सीक्रेट एजेंसी के पास पहुँच गया था जिसे ऋतिक ने कैटरीना को मरते समय पहले ही दे दिया था। हमें पता चलता है सीक्रेट एजेंसी का वो ऑफिसर जो ऋतिक के पीछे लगा था वो डेनेडी के साथ मिला हुआ है। पर डेनेडी हथौड़े से वो कोहिनूर हीरा तोड़ देता है और बताता है कि कोहिनूर हीरा किसी हथौड़े से नहीं टूटा जा सकता और बार बार उससे पूछता है कि असली कोहिनूर हीरा कहाँ है। कैटरीना तब तक उन्हें कुछ नहीं बताती, लेकिन जब उसे एक सच्चाई बोलने वाला इंजेक्शन लगा जाता है तब वह बोलती है कि ऋतिक अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो तो मेरे जरिए तुम्हारा पीछा करना चाहता है, तुम ही अपना एड्रेस लेकर मुझे तक यहाँ पहुँच जाएगा। वो मेरे जरिए यहाँ तक पहुँचना चाहता था पर वो जल्द ही यहाँ पर होगा। हमें ऋतिक को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और डेजर्ट में डेनेंडी के इलाके में पहुँच गया है और सबको एक एक करके मारते हुए और कुछ स्टिकी बॉम्ब ऐड करते हुए सीधा मेन प्लेस में एंटर करता है जहाँ पे उसका मुकाबला डेनेडी से और उसके नमक हराम ऑफिसर से होता है। उसके बाद वह डेनेडी को बताता है कि जिस ऑफिसर को उसने लंदन में मारा था वो उसका बड़ा भाई था। उसके बाद ऋतिक यह भी बताता है कि MI6 ने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया जहाँ पर उसने कोहिनूर चुराने का नाटक किया, जबकि कोहिनूर तो आज तक चोरी हुआ ही नहीं था, वो अपनी जगह अभी तक सेफ है। उसके बाद ऋतिक यह सब बताते ही उसके बनाए स्टिकी बम वहाँ पर धमाका कर शुरू कर देते हैं जिससे सब कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वहीं ऋतिक डेनेडी के सारे गुंडों को मार देता है। कैटरीना के होने वाले नशे के कारण वो उसे अलग ही बोलती है और अपना आपको उसके सामने प्रपोज करती है। उस धमाके में डेनेडी बच जाता है और गाड़ी से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक कैटरीना को लेकर बाइक पर उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद ऋतिक और कैटरीना को वो बीच पर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ब्रिज पर डेनेडी के आदमियों के साथ उसका मुकाबला होता है, लेकिन डेनेडी दूसरी तरफ अपने पुलिस ऑफिसर और कैटरीना के साथ जेटपैक पकड़कर उड़ने की कोशिश करता है। ऋतिक रोशन एक फास्ट ट्रैक कार चलाकर उसके इलाके तक पहुंचता है जहां पर वो जेटपैक पकड़ने वाला होता है। उसके बाद कैटरीना जो जेटपैक में होती है एक गुंडे से उसका बंदूक छीनकर प्लेन में गोले चलाना शुरू करते हैं जिससे वहां पर आग लग जाती है, जिसके बाद डेनेडी से साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को भी वह गोली मार देता है। डेनेडी के जेटपैक में ऋतिक रोशन कूद जाता है और उसका DN करके उस जेटपैक से कूद जाता है। उसके बाद हमें अगले शॉट में वो एक हॉस्पिटल में मिलता है। हॉस्पिटल में हमें उसी सीक्रेट एजेंट के सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उसकी तारीफ करता है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर उसे बोलता है कि उसे सीक्रेटली एक एजेंट बनकर उसके लिए काम करना होगा। तब बोलता है कि तुम अभी घर नहीं जा सकते और दुनिया की नज़र में तुम मर चुके हो, तुम्हें एक एजेंट बनाकर नए नए मिशन पर भेजा जाएगा। उसके बाद कैटरीना एक नर्स बनकर ऋतिक को वहाँ से ले जाती है और उसे उसके अपने घर ले जाती है।
जिसके बाद फाइनली ऋतिक अपने घर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसका यह सपना भी पूरा हो जाता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक फिर हाजिर होगी। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो है व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बैंड मैन। ये मूवी 2 अक्टूबर 2014 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है। 100% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5/10 है। इस मूवी के निर्माता फॉक स्टार स्टूडियो थे। वहीं इस मूवी के लेखक सुभाष नायर थे। इस मूवी में ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, लियोनार्डो फोजा और जावेद जाफरी ने मेन रोल प्ले किया है। इस मूवी का टोटल बजट 140 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ की कमाई करी। वहीं इस मूवी के संपादक आफिक अली थे। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी की स्टार्टिंग लंदन से शुरू होती है, जहां पर जमीन सिंह एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हमें दिखाई देते हैं। वो MI6 के एक हेडक्वार्टर में आए होते हैं, जहां पर इंटरनेशनल टेररिस्ट एनडी को हाईटेक वाली जेल में रखा गया है, जहां जावेद जाफरी एज ए पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे इंडिया शिफ्ट किया जाएगा। डैनी डी बोलता है कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तभी कुछ देर बाद डैनी डी के कुछ टेररिस्ट हेडक्वार्टर में अटैक करते हैं। डैनी डी जावेद जाफरी को मारकर उस हेडक्वार्टर से निकल जाता है और अपने हेलीकॉप्टर में जाते हुए एक ही बात बोलता है कि उसे कोहिनूर चाहिए। अगले शॉट में दिखाया जाता है कि पूरी मीडिया में ये खबर फैली है कि किसी ने कोहिनूर चुरा लिया है। पूरी न्यूज़ में इस बात से हड़कंप मचा पड़ा है। अगले शॉट में हमें ऋतिक रोशन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में कोहिनूर होता है और वो इंडिया में भारी बारिश में घूम रहा होता है। वहीं मूवी का सीन शिमला की तरफ मूव किया जाता है, जहां में कैटरीना कैफ एज ए हीरोइन हमें दिखाई जाती है, जिसकी दादी उसे शादी करने के लिए कहती है। उसके बाद उसकी दादी की कुछ पुरानी बातें भी उसकी दादी कैटरीना को बताती है। इन न्यूज में हमें ऋतिक रोशन का चेहरा दिखाया जाता है, जो कोहिनूर चुराने की लिस्ट में शामिल होता है। वहीं कैटरीना एज ए जॉब वर्कर अपने बैंक में पहुंचती है और अपना काम शुरू करती है। वहीं कैटरीना अपने घर पहुंचकर डेट ऐप पर अपनी आईडी बनाती है तथा जिससे कि वो किसी से डेट कर सके। वहीं पास के गाँव में हमें ऋतिक रोशन को भी दिखाया जाता है, जो कुछ ब्लैक मैटर्स से मिलने आया होता है। वह एक ट्यूब में कोहिनूर को दिखाता है। उन ब्लैक मार्केटर के कहने पर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद हमें जबरदस्त चेस सीन दिखाया जाता है, जिसमें ऋतिक रोशन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता नजर आता है, तो उन गुंडों को चश्मा देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट एजेंट को दिखाया जाता है, जो कोहिनूर हीरे की खोज में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ यानी हमारी इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस अपने ब्लैंक डेट के लिए निकल पड़ती है और वो एक कैफे में पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन भी, जो उन चोरों से भाग रहा था, कैटरीना को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो भी कैफे में घुस जाता है। कैटरीना को लगता है कि वही उसका ब्लैंक डेट पर है और हमारा हीरो भी अपने आप को उसका डेटर बनाकर प्रेजेंट करता है और उसके साथ डेट करने लगता है। इसके बाद हमें एक बेहतरीन डांस प्रोग्राम दिखा जाता है, जिसमें ऋतिक और कैटरीना बहुत झूम कर नाचते हैं। हमारे हीरो और हीरोइन दोनों बहुत बात भी करते हैं। इसके बाद उसे सामला वाला एक गुंडा मिल जाता है, जो उसके पीछे कोहिनूर के लिए लगा होता है। इसी बीच ऋतिक अपना कोहिनूर बॉक्स कैटरीना के बैग में डाल देता है। उसके बाद कैटरीना अपने वॉशरूम में चली जाती है, अपने आप से ही कुछ अजीब और गरीब बातें करने लगती हैं। लेकिन ऋतिक बाहर उन गुंडों के साथ हाथापाई करने लगता है। तोड़फोड़ इतनी हो जाती है
उसके बाद ऋतिक वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जब कैटरीना वॉशरूम से वापस आती है तो कैफ़े का मैनेजर उसे पूरे कैफ़े का बिल थमा देता है। कैटरीना किसी तरह मैनेजर को मनाकर और अपने पोएम के बॉस का विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए ऋतिक उसकी गाड़ी से दोबारा टकरा जाता है। तब वह कैटरीना को बताता है कि वह उसके साथ डेट करने नहीं आया था, बल्कि वो कोई और ही है और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। कैटरीना उसे पीने के लिए पानी देती है, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं अपनी गोली अपनी बॉडी से निकाल लूँ। तब वह अपनी फुल स्टैंड बॉली को कैटरीना को दिखाता है, जिसे देखकर कैटरीना पैदा हो जाती है। लेकिन उसी पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर कैटरीना को दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद कैटरीना अगले दिन अपने सीधा घर में उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इस तरह अपने घर वापस आई। उसके बाद कैटरीना ऋतिक के ख्यालों में इतना खो जाती है कि हर वक्त उसका ही ध्यान करती रहती है। जब वह बैंक में काम कर रही होती है तो वही इंडियन गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑफिसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि तुम्हें उस चोर के साथ देखा गया जिसने कोई नूर चुराया है। कैटरीना उसे अपना वारंट दिखाने को बोलती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। वहीं ऋतिक के बताए तरीके के अनुसार गाड़ी में एक बंदूक होनी चाहिए। तो वह सीट के नीचे से एक बंदूक निकालती है और पुलिस पर अनचाह अटैक करने लगती है। इसी बीच ऋतिक भी बाइक राइडिंग करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और कैटरीना को लेकर भागने लगता है और पीछे पुलिस पड़ जाती है। वहीं पीछे कुछ गुंडे भी पड़े होते हैं, लेकिन कैटरीना उसकी एक बात नहीं सुनती। उसी तरफ ऋतिक गुंडों को पेल ही रहा होता है और कि कैटरीना उसके पास से निकल जाती है और उसके सामने उसका बॉस आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके बॉस का कार्ड उसने कैफे में दिया था, जिसकी वजह से पुलिस उसे भी टॉर्चर कर चुकी है। वहीं ऋतिक आकर उसके बॉस की टांग पर एक गोली मारता है। उसके बाद ऋतिक उसके बॉस की गाड़ी और कैटरीना दोनों को उठाकर निकल जाता है। कैटरीना गाड़ी में जाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम हॉट हो, लेकिन गोलियाँ क्यों चलाते हो, इतने मतलब गुंडे क्यों पड़े हैं तुम्हारे पीछे। ऋतिक आगे गाड़ी रोककर एक दूसरी गाड़ी का डिक्की और लॉक खोल देता है। उसके बाद वह कैटरीना को उसकी चाबी देता है और बोलता है कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन कैटरीना उसी के साथ जाना पसंद करती है। गाड़ी एक्सचेंज करने के बाद भी पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। कुछ पुलिस वाले उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में होते हैं। इसके बाद ऋतिक सैटेलाइट से अपना घर का नज़ारा देखता है और कैटरीना को अपने पास्ट वाले इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है, जिससे कैटरीना पूरी तरह उसके बारे में नहीं जान पाती। ऋतिक कैटरीना को बस इतना बताता है कि वह डेहराडून पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहीं वह गाड़ी रोक कर एक पिज्जा स्टेशन में पहुँचते हैं, जहाँ वह कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। वहीं वह कैटरीना को बताता है कि उसके पीछे गुंडे और पुलिस क्यों पड़े हैं, क्योंकि उसने कोई नोट चुराया है। वहीं सीक्रेट एजेंसी का ऑफिसर भी वहाँ बैठा होता है, जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और कैटरीना और ऋतिक को ना भागने की सलाह देता है। वहीं एजेंट कैटरीना को निर्दोष समझता है और ऋतिक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतिक कैटरीना के कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके साथ खाई में कूद जाता है। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को गाड़ी में ले जाता है, जहाँ पर फिर सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पर कैटरीना अपने आप को एक बीच पे पाती है और उसके कपड़े भी एक्सचेंज होते हैं। तब वह पूछता है कि मेरे कपड़े किसने एक्सचेंज करे। तब ऋतिक बताता है कि उसने बिना देखे तुम्हारे कपड़े एक्सचेंज करे हैं। कैटरीना गुस्से में ऋतिक का फ़ोन ले जाती है और नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है। नेटवर्क मिलते ही वह अपनी दादी को कॉल करती है, जिससे पुलिस एजेंसी और सीक्रेट एजेंसी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक के पास वापस आती है। उसके बाद कैटरीना पूछती है कि तुमने कोहिनूर चोरी क्यों किया। तब वह बताता है कि उसने डेनेडी के लिए इस कोहिनूर की चोरी की है, लेकिन वो डेनेडी को इस कोहिनूर का एक भी हिस्सा नहीं देगा। ऋतिक कैटरीना को यह भी बताता है कि वो आखिरकार सब कुछ समझ जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे उसका साथ देना होगा। उसके बाद कुछ गुंडे चेस करते हुए उस टापू पर भी पहुँच जाते हैं, जहाँ पर कैटरीना और ऋतिक भागने लगते हैं। उसके बाद ऋतिक उन गुंडों में से किसी एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे डेनेडी का एड्रेस पूछता है। तब वह बताता है कि डेनेडी का एड्रेस उसे नहीं पता, वो हमारे धमाल 2 और धमाल 1 के मानव
का एड्रेस ऋतिक रोशन को दे देता है। इसके बाद ऋतिक रोशन अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन कर और फुल स्पीड में स्विमिंग करता हुआ और गोलियां चलाता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है, साथ ही साथ वो गुंडों को अटैक भी करता है। इसके बाद ऋतिक और कैटरीना एक दूसरे बीच में पहुँचता है जहाँ पर वो ट्रेन पकड़ कर पानपरा पहुँच जाते हैं। कैटरीना ये देखकर हैरान होती है कि उसने बिना वीजा और लाइसेंस के पानपरा पहुँच गई है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक को बताती है कि उसने उसके बीच में ले जाकर और पानपरा ला कर उसके सपने पूरे किए हैं। उसके बाद कैटरीना ऋतिक समझती है कि उसका सपना क्या है, तब वह बताता है कि उसे अपने घर जाना है। उसके बाद हमें कैटरीना और ऋतिक के बीच कुछ रोमांटिक सीन वाले गाने दिखाए जाते हैं। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को एक ड्रेस ऑफर करता है और एक पार्टी में चलने को बोलता है। पार्टी में चलने से पहले कैटरीना बताती है कि उसे किस करना नहीं आता, जिसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक किस होता है। कि ऋतिक का प्लान नमार्टो वाले मानव का पीछा करना था और वो उसी पार्टी में मिलने वाला था। उसके बाद पार्टी में जाने के बाद ऋतिक कैटरीना को फाइनली एक ड्रामा क्रिएट करने को बोलता है, जिसमें कैटरीना माँ के सामने ऋतिक को एक तमाचा मारती है। जिसके बाद मानव यानी हमारा धमाल वाला मानव कैटरीना से मिलने आता है। इसके बाद ऋतिक के कहने पर कैटरीना उसे कोहिनूर का ऑफर देती है, जिसे हमारा धमाल वाला मानव ना नहीं कह पाता और उससे मिलने चल देता है। लेकिन ऋतिक उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि उसे डैनिडी का एड्रेस चाहिए, लेकिन वो डैनिडी का एड्रेस नहीं देता। तभी मानव के कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें मानव बुरी तरह से मारा जाता है और ऋतिक वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है। दूसरी तरफ वही सीक्रेट एजेंसी जो इंडिया में ऋतिक का पीछा कर रही थी कैटरीना को उठा लेती है और बोलती है कि कैटरीना ऋतिक एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक चोर है और उसने अभी धमालटो वाले मानव को भी मार दिया है, जिसका सारा अंजाम वह तुम्हारे सर पे भी डाल सकते हैं, इसलिए अगर बचना चाहती हो तो ऋतिक को हमारे पकड़वाने में मदद करो। उसके बाद कैटरीना को वह एक ट्रांसमीटर देते हैं और बोलते हैं कि जब ऋतिक तुम्हारे पास हो तब यह ट्रांसमीटर दबा दे, हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना इतनी चिड़ी हुई होती है कि उसे बेफालतू के सवाल करने लगती है। ऋतिक को उसकी बातों का उस पर शक होता है, इसलिए वह उसे पुल के पास से गुजरने को बोलता है। बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके पास एक ट्रांसमीटर है जिसे ऋतिक को दबा देता है। उसके बाद पुलिस वहां तुरंत पहुंच जाती है जो ऋतिक पर अटैक करती है और ऋतिक को एक गोली भी लग जाती है, जिसके बाद वो पानी में कूद जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया है। इसके बाद कैटरीना को भी उसके घर ड्रॉप कर दिया जाता है। घर आने के बाद कैटरीना और भी दुखी होने लगती है और हर बार उसके बारे में सोचने लगती है। उसके बाद उसे उस घर का मैप याद आता है जहाँ पर ऋतिक इसकी फ़ोटो सैटेलाइट से देख रहा था, तब वह उस सैटेलाइट वाले घर की मदद से उसके घर पर पहुँचती है, तब जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पिता और माँ से होती है। उसके पिता बताते हैं कि ऋतिक एक मिलिट्री वाला है। उसके पिता दिखाते हैं कि उसके बड़े बेटे के तहत लंदन में होगी जहाँ पर डैनिडी ने उसे मार दिया था। डैनिडी ने शुरुआती दौर में जिस ऑफिसर को मारा था वो ऋतिक का बड़ा भाई था। ऋतिक के पिता उसे ये भी बताते हैं कि वो 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। उसके बाद कैटरीना को यकीन हो जाता है कि ऋतिक अभी भी जिंदा है और वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौटने लगती है। घर लौटते समय ही उसे कुछ गुंडे उठा देते हैं और सीधा डैनिडी के अड्डे पर ले जाते हैं। उसके बाद डैनिडी को हमें दिखाया जाता है जिसके पास कोहिनूर होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि कोहिनूर तो सीक्रेट एजेंसी के पास पहुंच गया था, जिसे ऋतिक ने कैटरीना को मरते समय पहले ही दे दिया था। हमें पता चलता है सीक्रेट एजेंसी का वो ऑफिसर जो ऋतिक के पीछे लगा था वो डैनिडी के साथ मिला हुआ है। डैनिडी हथौड़े से वो कोहिनूर हीरा तोड़ देता है और बताता है कि कोहिनूर किसी हथौड़े से नहीं टूटा जा सकता और बार बार उससे पूछता है कि असली कोहिनूर हीरा कहाँ है। कैटरीना तब तक उन्हें कुछ नहीं बताती, लेकिन जब उसे एक सच्चाई बोलने वाला इंजेक्शन लगा जाता है तब वह बोलती है कि ऋतिक अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो तो मेरे जरिए तुम्हारा पीछा करना चाहता है, तुम ही अपना एड्रेस लेकर मुझे तक यहाँ पहुँच जाएगा, वो मेरे जरिए यहाँ तक पहुँचना चाहता था और वो जल्द ही यहाँ पर होगा। हमें ऋतिक को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और डेजर्ट में
एनएनडी के इलाके में पहुंच गया है और सबको एक एक करके मारते हुए और कुछ स्टिकी बॉम्ब ऐड करते हुए सीधा मेन प्लेस में एंटर करता है, जहां पे उसका मुकाबला एनएनडी से और उसके नमक हराम ऑफिसर से होता है। उसके बाद वह एनएनडी को बताता है कि जिस ऑफिसर को उसने लंदन में मारा था वो उसका बड़ा भाई था। उसके बाद ऋतिक यह भी बताता है कि MI6 ने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया जहां पर उसने कोहिनूर चुराने का नाटक किया, जबकि कोहिनूर तो आज तक चोरी हुआ ही नहीं था, वो अपनी जगह अभी तक सेफ है। उसके बाद ऋतिक यह सब बताते ही उसके बनाए स्टिकी बम वहां पर धमाका कर शुरू कर देते हैं, जिससे सब कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वहीं ऋतिक डैनिडी के सारे गुंडों को मार देता है। कैटरीना के होने वाले नशे के कारण वो उसे अलग ही बोलती है और अपना आपको उसके सामने प्रपोज करती है। उस धमाके में डैनिडी बच जाता है और गाड़ी से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक कैटरीना को लेकर बाइक पर उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद ऋतिक और कैटरीना को वो ब्रिज पर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ब्रिज पर डैनिडी के आदमियों के साथ उसका मुकाबला होता है, लेकिन डैनिडी दूसरी तरफ अपने पुलिस ऑफिसर और कैटरीना के साथ जेटपैक पकड़कर उड़ने की कोशिश करता है। ऋतिक रोशन एक फास्ट ट्रैक कार चलाकर उसके इलाके तक पहुंचता है जहां पर वो जेटपैक पकड़ने वाला होता है। उसके बाद कैटरीना जो जेटपैक में होती है एक गुंडे से उसका बंदूक छीनकर प्लेन में गोले चलाना शुरू करते हैं, जिससे वहां पर आग लग जाती है, जिसके बाद डैनिडी से साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को भी वह गोली मार देता है। डैनिडी के जैकपैट में ऋतिक रोशन कूद जाता है और उसका डीएंड करके उस जैकपैट से कूद जाता है। उसके बाद हमें अगले शॉट में वो एक हॉस्पिटल में मिलता है। हॉस्पिटल में हमें उसी सीक्रेट एजेंट के सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उसकी तारीफ करता है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर उसे बोलता है कि उसे सीक्रेटली एक एजेंट बनकर उसके लिए काम करना होगा, पर बोलता है कि तुम अभी घर नहीं जा सकते और दुनिया की नज़र में तुम मर चुके हो, तुम्हें एक एजेंट बनाकर नए नए मिशन पर भेजा जाएगा। उसके बाद कैटरीना एक फेक नर्स बनकर ऋतिक को वहां से ले जाती है और उसे उसके अपने घर ले जाती है। इसके बाद फाइनली ऋतिक अपने घर पहुँच जाता है, जिसके बाद उसका यह सपना भी पूरा हो जाता है। यही मूवी का डी एंड रहता। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो है व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बैटमैन। यह मूवी 2 अक्टूबर 2014 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं। 100% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5/10 है। इस मूवी के निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो थे। वहीं इस मूवी के लेखक सुभाष नायर थे। इस मूवी में ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, डेनोट फोजा और जावेद जाफरी ने मेन रोल प्ले किया है। इस मूवी का टोटल बजट 140 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ की कमाई करी। वहीं इस मूवी के संपादक आफिक अली थे। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी की स्टार्टिंग लंदन से शुरू होती है, जहां पर जमेन सिंह एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हमें दिखाई देते हैं। वो MI6 के एक हेडक्वार्टर में आए होते हैं, जहां पर इंटरनेशनल टेररिस्ट एनडी को हाईटेक वाली जेल में रखा गया है, जहां जावेद जाफरी एज ए पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे इंडिया शिफ्ट किया जाएगा। डैनिडी बोलता है कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तभी कुछ देर बाद डैनिडी के कुछ टेररिस्ट हेडक्वार्टर में अटैक करते हैं। डैनिडी जावेद जाफरी को मारकर उस हेडक्वार्टर से निकल जाता है और अपने हेलीकॉप्टर में जाते हुए एक ही बात बोलता है कि उसे कोहिनूर चाहिए। अगले शॉट में दिखाया जाता है कि पूरी मीडिया में ये खबर फैली है कि किसी ने कोहिनूर चुरा लिया है। पूरी न्यूज़ में इस बात से हड़कंप मचा पड़ा है।
अगले शॉट में हमें ऋतिक रोशन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कोहिनूर होता है और वो इंडिया में भारी बारिश में घूम रहा होता है। वहीं मूवी का सीन शिमला की तरफ मूव किया जाता है जहां में कैटरीना कैफ एज अ हीरोइन हमें दिखाई जाती है जिसकी दादी उसे शादी करने के लिए कहती है। उसके बाद उसकी दादी की कुछ पुरानी बातें भी उसकी दादी कैटरीना को बताती है। इन मूवी में हमें ऋतिक रोशन का चेहरा दिखाया जाता है जो कोहिनूर चुराने की लिस्ट में शामिल होता है। वहीं कैटरीना एज अ जॉब वर्कर अपने बैंक में पहुंचती है और अपना काम शुरू करती है। वहीं कैटरीना अपने घर पहुंचकर डेट ऐप पर अपनी आईडी बनाती है तथा जिससे कि वो किसी से डेट कर सके। वहीं पास के गांव में हमें ऋतिक रोशन को भी दिखाया जाता है जो कुछ ब्लैक मैटर्स से मिलने आया होता है। वह एक ट्यूब में कोहिनूर को दिखाता है। उन ब्लैक मैटर के कहने पर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद हमें जबरदस्त चेस सीन दिखाया जाता है जिसमें ऋतिक रोशन वो बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग पर कूदता नजर आता है तो उन गुंडों को चश्मा देकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट एजेंट को दिखाया जाता है जो कोहिनूर हीरे की खोज में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ यानी हमारी इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस अपने ब्लैंक डेट के लिए निकल पड़ती है और वो एक कैफे में पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन भी जो उन चोरों से भाग रहा था कैटरीना को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो भी कैफे में घुस जाता है। कैटरीना को लगता है कि वही उसका ब्लैंक डेट पर है और हमारा हीरो भी अपने आप को उसका डेटर बनाकर प्रेजेंट करता है और उसके साथ डेट करने लगता है। इसके बाद हमें एक बेहतरीन डांस प्रोग्राम दिखा जाता है जिसमें ऋतिक और कैटरीना बहुत झूमकर नाचते हैं। हमारे हीरो और हीरोइन दोनों बहुत बात भी करते हैं। इसके बाद उसे सामला वाला एक गुंडा मिल जाता है जो उसके पीछे कोहिनूर के लिए लगा होता है। इसी बीच ऋतिक अपना कोहिनूर बॉक्स कैटरीना के बैग में डाल देता है। इसके बाद कैटरीना अपने वॉशरूम में चली जाती है और अपने आप से ही कुछ अजीब और गरीब बातें करने लगती हैं। लेकिन ऋतिक बाहर उन गुंडों के साथ हाथापाई करने लगता है, तोड़ फोड़ इतनी हो जाती है। उसके बाद ऋतिक वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जब कैटरीना वॉशरूम से वापस आती है तो कैफे का मैनेजर उसे पूरे कैफे का बिल थमा देता है। कैटरीना किसी तरह मैनेजर को मनाकर और अपने बॉयन के बॉस का विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए ऋतिक उसकी गाड़ी से दोबारा टकरा जाता है। तब वह कैटरीना को बताता है कि वह उसके साथ डेट करने नहीं आया था बल्कि वो कोई और ही है और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। कैटरीना उसे पीने के लिए पानी देती है लेकिन वो कहता है कि पहले मैं अपनी गोली अपनी बॉडी से निकाल लूँ। तब वह अपनी फुल स्टैंड बॉली को कैटरीना को दिखाता है जिसे देखकर कैटरीना फिदा हो जाती है। लेकिन ऋतिक उसी पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर कैटरीना को दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद कैटरीना अगले दिन अपने सीधा घर में उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इस तरह अपने घर वापस आई। उसके बाद कैटरीना ऋतिक के ख्यालों में इतना खो जाती है कि हर वक्त उसका ही ध्यान करती रहती है। जब वह बैंक में काम कर रही होती है तो वही इंडियन गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑफिसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि तुम्हें उस चोर के साथ देखा गया है जिसने कोहिनूर चुराया है। कैटरीना उसे अपना वारंट दिखाने को बोलती है लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। वहीं ऋतिक के बताए तरीके के अनुसार गाड़ी में एक बंदूक होनी चाहिए। तो वह सीट के नीचे से एक बंदूक निकालती है और पुलिस पर अनचाह अटैक करने लगती है। इसी बीच ऋतिक भी बाइक राइडिंग करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और कैटरीना को लेकर भागने लगता है और पीछे पुलिस पड़ जाती है। वहीं पीछे कुछ गुंडे भी पड़े होते हैं लेकिन कैटरीना उसकी एक बात नहीं सुनती। इसी तरह ऋतिक गुंडों को पेल ही रहा होता है और कि कैटरीना उसके पास से निकल जाती है और उसके सामने उसका बॉस आके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके बॉस का कार्ड उसने कैफे में दिया था जिसकी वजह से पुलिस उसे भी टॉर्चर कर चुकी है। वहीं ऋतिक आकर उसके बॉस की टांग पर एक गोली मारता है। उसके बाद ऋतिक उसके बॉस की गाड़ी और कैटरीना दोनों को उठाकर निकल जाता है। कैटरीना गाड़ी में जाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम हॉट हो लेकिन
गोलियां क्यों चलाते हो, इतने मतलब गुंडे क्यों पड़े हैं तुम्हारे पीछे। इलेक्ट्रिक आगे गाड़ी रोककर एक दूसरी गाड़ी का डिक्की और लॉक खोल देता है। उसके बाद वह कैटरीना को उसकी चाबी देता है और बोलता है कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन कैटरीना उसी के साथ जाना पसंद करती है। अरे एक्सचेंज करने के बाद भी पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। कुछ पुलिस वाले उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में होते हैं। इसके बाद ऋतिक सैटेलाइट से अपना घर का नज़ारा देखता है और कैटरीना को अपने पास्ट वाले इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है, जिससे कैटरीना पूरी तरह उसके बारे में नहीं जान पाती। ऋतिक कैटरीना को बस इतना बताता है कि वह डेहरादून पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहीं वह गाड़ी रोककर एक पिज्जा स्टेशन में पहुँचते हैं, जहाँ वह कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। वहीं वह कैटरीना को बताता है कि उसके पीछे गुंडे और पुलिस क्यों पड़े हैं, क्योंकि उसने कोहिनूर चुराया है। वहीं सीक्रेट एजेंसी का ऑफिसर भी वहां बैठा होता है, जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और कैटरीना और ऋतिक को ना भागने की सलाह देता है। वहीं एजेंट कैटरीना को निर्दोष समझता है और ऋतिक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतिक कैटरीना के कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके साथ खाई में कूद जाता है। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को गाड़ी में ले जाता है, जहाँ पर फिर सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पर कैटरीना अपने आप को एक बीच पे पाती है और उसके कपड़े भी एक्सचेंज होते हैं। तब वह पूछता है कि मेरे कपड़े किसने एक्सचेंज करे, तब ऋतिक बताता है कि उसने बिना देखे तुम्हारे कपड़े एक्सचेंज करे हैं। नहीं कैटरीना गुस्से में ऋतिक का फ़ोन ले जाती है और नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है। नेटवर्क मिलते ही वह अपनी दादी को कॉल करती है, जिससे पुलिस एजेंसी और सीक्रेट एजेंसी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक के पास वापस आती है। उसके बाद कैटरीना पूछती है कि तुमने कोहिनूर चोरी क्यों किया, तब वह बताता है कि उसने डैनिडी के लिए इस कोहिनूर की चोरी की है, लेकिन वो डैनिडी को इस कोहिनूर का एक भी हिस्सा नहीं देगा। ऋतिक कैटरीना को यह भी बताता है कि वो आखिरकार सब कुछ समझ जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे उसका साथ देना होगा। उसके बाद कुछ गुंडे चेस करते हुए उस टापू पर भी पहुंच जाते हैं, जहां पर कैटरीना और ऋतिक भागने लगते हैं। उसके बाद ऋतिक उन गुंडों में से एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे डैनिडी का एड्रेस पूछता है, तब वह बताता है कि डैनिडी का एड्रेस उसे नहीं पता, वो तो हमारे धमाल टू और धमाल वन के मानव का एड्रेस ऋतिक रोशन को दे देता है। उसके बाद ऋतिक रोशन अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर और फुल स्पीड में स्विमिंग करता हुआ और गोलियां चलाता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है, साथ ही साथ वो गुंडों पर अटैक भी करता है। उसके बाद ऋतिक और कैटरीना एक दूसरे बीच में पहुँचते हैं, जहाँ पर वो ट्रेन पकड़ कर पानपराग पहुँच जाते हैं। कैटरीना ये देखकर हैरान होती है कि उसने बिना वीजा और लाइसेंस के पानपराग पहुँच गई है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक को बताती है कि उसने उसके बीच पर ले जाकर और पानपराग लाकर उसके सपने पूरे किए हैं। उसके बाद कैटरीना ऋतिक से पूछते हैं कि उसका सपना क्या है, तब वह बताता है कि उसे अपने घर जाना है। उसके बाद हमें कैटरीना और ऋतिक के बीच कुछ रोमांटिक सीन वाले गाने दिखाए जाते हैं। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को एक ड्रेस ऑफर करता है और एक पार्टी में चलने को बोलता है। पार्टी में चलने से पहले कैटरीना बताती है कि उसे किस करना नहीं आता, जिसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक किस होता है कि ऋतिक का प्लान नमार्टो वाले मानव का पीछा करना था और वो उसी पार्टी में मिलने वाला था। उसके बाद पार्टी में जाने के बाद ऋतिक कैटरीना को फाइनली एक ड्रामा क्रिएट करने को बोलता है, जिसमें कैटरीना माँ के सामने ऋतिक को एक तमाचा मारती है, जिसके बाद मानव ये हमारा धमाल वाला मानव कैटरीना से मिलने आता है। इसके बाद ऋतिक के कहने पर कैटरीना उसे कोहिनूर का ऑफर देती है, जिसे हमारा धमाल वाला मानव ना नहीं कह पाता और उससे मिलने चल देता है, लेकिन ऋतिक उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि उसे डैनिडी का एड्रेस चाहिए, लेकिन वो डैनिडी का एड्रेस नहीं देता। तभी मानव के कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें मानव पूरी तरह से मारा जाता है और ऋतिक वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है। उसी तरफ वही सीक्रेट एजेंसी जो इंडिया में ऋतिक का पीछा कर रही थी कैटरीना को उठा लेती है और बोलती है कि कैटरीना ऋतिक एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक चोर है और उसने अभी धमाल टू वाले मानव को मार दिया है, जिसका सारा इंजाम वह तुम्हारे सर पर भी डाल सकते हैं, इसलिए अगर बचना चाहती हो तो ऋतिक को हमारे पे पकड़वाने में मदद करो। उसके बाद कैटरीना को वह एक ट्रांसमीटर देते हैं
और बोलते हैं कि जब ऋतिक तुम्हारे पास हो तब ये ट्रांसमीटर दबा देना, हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। इसके बाद ऋतिक कैटरीना को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना इतनी चिड़ी हुई होती है कि उससे बेफालतू के सवाल करने लगती है। ऋतिक को उसकी पासों का उस पर शक होता है, इसलिए वह उसे पुल के पास से गुजरने को बोलता है। बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके पास एक ट्रांसमीटर है जिसे ऋतिक को दबा देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच जाती है जो ऋतिक पर अटैक करती है और ऋतिक को एक गोली भी लग जाती है जिसके बाद वो पानी में कूद जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया है। इसके बाद कैटरीना को भी उसके घर ड्रॉप कर दिया जाता है। घर आने के बाद कैटरीना और भी दुखी होने लगती है और हर बार उसके बारे में सोचने लगती है। इसके बाद उसे उस घर का मैप याद आता है जहाँ पर ऋतिक उसकी फ़ोटो सैटेलाइट से देख रहा था। तब वह उस सैटेलाइट वाले घर की मदद से उसके घर पर पहुँचती है, तब जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पिता और माँ से होती है। उसके पिता बताते हैं कि ऋतिक एक मिलिट्री वाला है। मैं उसके पिता दिखाते हैं कि उसके बड़े बेटे के तहत लंदन में जहाँ पर डैनन डी ने उसे मार दिया था। डैनन डी ने शुरुआती दौर में जिस ऑफिसर को मारा था वो ऋतिक का बड़ा भाई था। ऋतिक के पिता उसे ये भी बताते हैं कि वो 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। इसके बाद कैटरीना को यकीन हो जाता है कि ऋतिक अभी भी जिंदा है और वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौटने लगती है। घर लौटते समय ही उसे कुछ गुंडे उठा देते हैं और सीधा डैनडी के अड्डे पर ले जाते हैं। उसके बाद डैनडी को हमें दिखाया जाता है जिसके पास कोहिनूर होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि कोहिनूर तो सीक्रेट एजेंसी के पास पहुंच गया था जिसे ऋतिक ने कैटरीना को मरते समय पहले ही दे दिया था। हमें पता चलता है सीक्रेट एजेंसी का वो ऑफिसर जो ऋतिक के पीछे लगा था वो डैनडी के साथ मिला हुआ है। डैनडी हथौड़े से वो कोहिनूर हीरा तोड़ देता है और बताता है कि कोहिनूर किसी हथौड़े से नहीं टूटा जा सकता और बार बार उससे पूछता है कि असली कोहिनूर हीरा कहाँ है। कैटरीना तब तक उन्हें कुछ नहीं बताती, लेकिन जब उसे एक सच्चाई बोलने वाला इंजेक्शन लगा जाता है तब वह बोलती है कि ऋतिक अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो तो मेरे जरिए तुम्हारा पीछा करना चाहता है, तुम ही अपना एड्रेस लेकर मुझे तक यहाँ पहुँच जाएगा। वो मेरे जरिए यहाँ तक पहुँचना चाहता था और वो जल्द ही यहाँ पर होगा। हमें ऋतिक को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और डेजर्ट में डैनडी के इलाके में पहुंच गया है और सबको एक एक करके मारते हुए और कुछ स्टिकी बॉम्ब ऐड करते हुए सीधा मेन प्लेस में एंटर करता है जहां पे उसका मुकाबला डैनडी से और उसके नमक हराम ऑफिसर से होता है। उसके बाद वह डैनडी को बताता है कि जिस ऑफिसर को उसने लंदन में मारा था वो उसका बड़ा भाई था। उसके बाद ऋतिक ये भी बताता है कि MI6 ने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया जहां पर उसने कोहिनूर चुराने का नाटक किया, जबकि कोहिनूर तो आज तक चोरी हुआ ही नहीं था, वो अपनी जगह अभी तक सेफ है। उसके बाद ऋतिक ये सब बताते ही उसके बनाए स्टिकी बम वहां पर धमाका कर शुरू कर देते हैं जिससे सब कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वहीं ऋतिक डैनडी के सारे गुंडों को मार देता है। कैटरीना के होने वाले नशे के कारण वो उसे अलविदा बोलती है और अपना आपको उसके सामने प्रपोज करती है। उस धमाके में डैनडी बच जाता है और गाड़ी से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक कैटरीना को लेकर बाइक पर उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद ऋतिक और कैटरीना को वो ब्रिज पर पकड़ लेते हैं। इसके बाद ब्रिज पर डैनडी के आदमियों के साथ उसका मुकाबला होता है, लेकिन डैनडी दूसरी तरफ अपने पुलिस ऑफिसर और कैटरीना के साथ जेटपैक पकड़कर उड़ने की कोशिश करता है। ऋतिक रोशन एक फास्ट ट्रैक कार चलाकर उसके इलाके तक पहुंचता है जहां पर वो जैकपैट पकड़ने वाला होता है। उसके बाद कैटरीना जो जैकपैट में होती है एक गुंडे से उसका बंदूक छीनकर प्लेन में गोले चलाना शुरू करते हैं जिससे वहां पर आग लग जाती है, जिसके बाद डैनडी से साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को भी वह गोली मार देता है। डैनडी के जैकपैट में ऋतिक रोशन कूद जाता है और उसका DN करके उस जेटपैक से कूद जाता है। उसके बाद हमें अगले शॉट में वो एक हॉस्पिटल में मिलता है। हॉस्पिटल में हमें उसी सीक्रेट एजेंट के सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उसकी तारीफ करता है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर उसे बोलता है कि उसे सीक्रेटली एक एजेंट बनकर उसके लिए काम करना होगा। तब बोलता है कि तुम अभी घर नहीं जा सकते और दुनिया की नज़र में तुम मर चुके हो, तुम्हें एक एजेंट बनाकर नए नए मिशन पर भेजा जाएगा। उसके बाद कैटरीना एक फेक नर्स बनकर
क्रिटिक को वहाँ से ले जाती है और उसे उसके अपने घर ले जाती है। इसके बाद फाइनली ऋतिक अपने घर पहुँच जाता है, इसके बाद उसका यह सपना भी पूरा हो जाता है। यही मूवी का डी एंड हो जाता है। गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब के लिए टाटा एंड बाय बाय। अगली वीडियो के साथ तब तक फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो सब। तो आज हम जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बैटमैन। ये मूवी 2 अक्टूबर 2014 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद, 100% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5/10 है। इस मूवी के निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो थे। वहीं इस मूवी के लेखक सुभाष नायर थे। इस मूवी में ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, डैनियल डिफोजा और जावेद जाफरी ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी का टोटल बजट 140 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ की कमाई करी। वहीं इस मूवी के संपादक आफिक अली थे। गाइस एक बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी की स्टार्टिंग लंदन से शुरू होती है, जहां पर जमेन सिंह एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हमें दिखाई देते हैं। वो MI6 के एक हेडक्वार्टर में आए होते हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल टेररिस्ट NED को हाईटेक वाली जेल में रखा गया है, जहाँ जावेद जाफरी एज ए पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे इंडिया शिफ्ट किया जाएगा। NED बोलता है कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तभी कुछ देर बाद NED के कुछ टेररिस्ट हेडक्वार्टर में अटैक करते हैं। NED जावेद जाफरी को मारकर उस हेडक्वार्टर से निकल जाता है और अपने हेलीकॉप्टर में जाते हुए एक ही बात बोलता है कि उसे कोहिनूर चाहिए। अगले शॉट में दिखाया जाता है कि पूरी मीडिया में ये खबर फैली है कि किसी ने कोहिनूर चुरा लिया है। पूरी न्यूज़ में इस बात से हड़कंप मचा पड़ा है। अगले शॉट में हमें ऋतिक रोशन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में कोहिनूर होता है और वो इंडिया में भारी बारिश में घूम रहा होता है। वहीं मूवी का सीन शिमला की तरफ मूव किया जाता है, जहाँ में कैटरीना कैफ एज ए हीरोइन हमें दिखाई जाती है, जिसकी दादी उसे शादी करने के लिए कहती है। उसके बाद उसकी दादी की कुछ पुरानी बातें भी उसकी दादी कैटरीना को बताती है। इन न्यूज़ पे हमें ऋतिक रोशन का चेहरा दिखाया जाता है, जो कोहिनूर चुराने की लिस्ट में शामिल होता है। वहीं कैटरीना एज ए जॉब वर्कर अपने बैंक में पहुँचती है और अपना काम शुरू करती है। वहीं कैटरीना अपने घर पहुँच कर डेट ऐप पर अपनी ID बनाती है तथा जिससे कि वो किसी से डेट कर सके। वहीं पास के गांव में हमें ऋतिक रोशन को भी दिखाया जाता है, जो कुछ ब्लैक मैटर्स से मिलने आया होता है। वह एक व्यू में कोहिनूर को दिखाता है। उन ब्लैक मैटर के कहने पर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद हमें जबरदस्त चेस सीन दिखाया जाता है, जिसमें ऋतिक रोशन वो बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कूदता नजर आता है, तो उन गुंडों को चश्मा देकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट एजेंट को दिखाया जाता है, जो कोहिनूर हीरे के खोज में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ यानी हमारी इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस अपने ब्लैंक डेट के लिए निकल पड़ती है और वो एक कैफे में पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन भी, जो उन चोरों से भाग रहा था, कैटरीना को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो भी कैफे में घुस जाता है। कैटरीना को लगता है कि वही उसका ब्लैंक डेट है और हमारा हीरो भी अपने आप को उसका डेटर बनाकर प्रेजेंट करता है और उसके साथ डेट करने लगता है। इसके बाद हमें एक बेहतरीन डांस प्रोग्राम दिखा जाता है, जिसमें ऋतिक और कैटरीना बहुत झूम कर नाचते हैं। हमारे हीरो और हीरोइन दोनों बहुत बात भी करते हैं। इसके बाद उसे सामला वाला एक गुंडा मिल जाता है, जो उसके पीछे कोहिनूर के लिए लगा होता है। इसी बीच ऋतिक अपना कोहिनूर बॉक्स कैटरीना के बैग में डाल देता है। इसके बाद कैटरीना अपने वॉशरूम में चली जाती है, अपने आप से ही कुछ अजीब और गरीब बातें करने लगती हैं। लेकिन ऋतिक
बाहर उन गुंडों के साथ हाथापाई करने लगता है। टोल फूड इतनी हो जाती है, उसके बाद ऋतिक वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जब कटरीना वॉशरूम से वापस आती है तो कैफ़े का मैनेजर उसे पूरे कैफ़े का बिल थमा देता है। कटरीना किसी तरह मैनेजर को मनाकर और अपने पोएम के बॉस का विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए ऋतिक उसकी गाड़ी से दोबारा टकरा जाता है। तब वह कटरीना को बताता है कि वह उसके साथ डेट करने नहीं आया था, बल्कि वो कोई और ही है और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। कटरीना उसे पीने के लिए पानी देती है, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं अपनी गोली अपनी बॉडी से निकाल लूँ। तब वह अपनी फुल स्टैंड बॉली को कटरीना को दिखाता है, जिसे देखकर कटरीना पैदा हो जाती है। लेकिन ऋतिक उसी पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर कटरीना को दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद कटरीना अगले दिन अपने सीधा घर में उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इस तरह अपने घर वापस आई। इसके बाद कटरीना ऋतिक के ख्यालों में इतना खो जाती है कि हर वक्त उसका ही ध्यान करती रहती है। जब वह बैंक में काम कर रही होती है तो वही इंडियन गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑफिसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि तुम्हें उस चोर के साथ देखा गया जिसने कोई नूर चुराया है। कटरीना उसे अपना वारंट दिखाने को बोलती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। वहीं ऋतिक के बताए तरीके के अनुसार गाड़ी में एक बंदूक होनी चाहिए। तो वह सीट के नीचे से एक बंदूक निकालती है और पुलिस पर अनचाहा अटैक करने लगती है। इसी बीच ऋतिक की बाइक राइडिंग करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और कटरीना को लेकर भागने लगता है और पीछे पुलिस पड़ जाती है। वहीं पीछे कुछ गुंडे भी पड़े होते हैं, लेकिन कटरीना उसकी एक बात नहीं सुनती। इसी तरह ऋतिक गुंडों को पेल ही रहा होता है और कि कटरीना उसके पास से निकल जाती है और उसके सामने उसका बॉस आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके बॉस का कार्ड उसने कैफे में दिया था, जिसकी वजह से पुलिस उसे भी टॉर्चर कर चुकी है। वहीं ऋतिक आकर उसके बॉस की टांग पर एक गोली मारता है। उसके बाद ऋतिक उसके बॉस की गाड़ी और कटरीना दोनों को उठाकर निकल जाता है। कटरीना गाड़ी में जाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम हॉट हो, लेकिन गोली ऐसे चलाते इतने मतलब गुंडे क्यों पड़े हैं तुम्हारे पीछे। ऋतिक आगे गाड़ी रोककर एक दूसरी गाड़ी का डिक्की और लॉक खोल देता है। उसके बाद वह कटरीना को उसकी चाबी देता है और बोलता है कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन कटरीना उसी के साथ जाना पसंद करती है। गाड़ी एक्सचेंज करने के बाद भी पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। कुछ पुलिस वाले उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में होते हैं। इसके बाद ऋतिक सैटेलाइट से अपना घर का नज़ारा देखता है और कटरीना को अपने पास्ट वाले इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है, जिससे कटरीना पूरी तरह उसके बारे में नहीं जान पाती। ऋतिक कटरीना को बस इतना बताता है कि वह डेहराडून पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहीं वह गाड़ी रोक कर एक पिज्जा स्टेशन में पहुँचते हैं, जहाँ वे कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। वहीं वह कटरीना को बताता है कि उसके पीछे गुंडे और पुलिस क्यों पड़े हैं, क्योंकि उसने कोई नोट चुराया है। वहीं सीक्रेट एजेंसी का ऑफिसर भी वहाँ बैठा होता है, जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और कटरीना और ऋतिक को ना भागने की सलाह देता है। वहीं एजेंट कटरीना को निर्दोष समझता है और ऋतिक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतिक कटरीना के कनपटी पर बंदूक रखकर उसके साथ खाई में कूद जाता है। उसके बाद ऋतिक कटरीना को गाड़ी में ले जाता है, जहाँ पर फिर सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पर कटरीना अपने आप को एक बीच पर पाती है और उसके कपड़े भी एक्सचेंज होते हैं। तब वह पूछता है कि मेरे कपड़े किसने एक्सचेंज करे। तब ऋतिक बताता है कि उसने बिना देखे तुम्हारे कपड़े एक्सचेंज करे हैं। कटरीना गुस्से में ऋतिक का फ़ोन ले जाती है और नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है। नेटवर्क मिलते ही वह दादी को कॉल करती है, जिससे पुलिस एजेंसी और सीक्रेट एजेंसी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद कटरीना ऋतिक के पास वापस आती है। उसके बाद कटरीना पूछती है कि तुमने कोहिनूर चोरी क्यों किया। तब वह बताता है कि उसने डैनिडी के लिए इस कोहिनूर की चोरी की है, लेकिन वो डैनिडी को इस कोहिनूर का एक भी हिस्सा नहीं देगा। ऋतिक कटरीना को यह बताता है कि वो आखिरकार सब कुछ समझ जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे उसका साथ देना होगा। उसके बाद कुछ गुंडे चेस करते हुए उस टापू पर भी पहुंच जाते हैं, जहां पर कटरीना और ऋतिक भागने लगते हैं। उसके बाद ऋतिक उन गुंडों में से एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे डैनिडी का एड्रेस पूछता है। तब वह बताता है कि डैनिडी का एड्रेस उसे नहीं पता,
वो हमारे धमाटू और धमालवंत के मानव का एड्रेस ऋतिक रोशन को दे देता है। उसके बाद ऋतिक रोशन अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर और फुल स्पीड में स्विमिंग करता हुआ और गोलियां चलाता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो गुंडों को अटैक भी करता है। उसके बाद ऋतिक और कैटरीना एक दूसरे बीच से पहुँचते हैं जहाँ पर वह ट्रेन पकड़कर पानपराग पहुँचाते हैं। कैटरीना यह देखकर हैरान होती है कि उसने बिना वीजा और लाइसेंस के पानपराग पहुँच गई है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक को बताती है कि उसने उसे बीच पर ले जाकर और पानपराग लाकर उसके सपने पूरे किए हैं। उसके बाद कैटरीना ऋतिक से पूछती है कि उसका सपना क्या है, तब वह बताता है कि उसे अपने घर जाना है। उसके बाद हमें कैटरीना और ऋतिक के बीच कुछ रोमांटिक सीन वाले गाने दिखाए जाते हैं। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को एक ड्रेस ऑफर करता है और एक पार्टी में चलने को बोलता है। पार्टी में चलने से पहले कैटरीना बताती है कि उसे किस करना नहीं आता, जिसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक किस होता है कि ऋतिक का प्लान नमार्टो वाले मानव का पीछा करना था और वो उसी पार्टी में मिलने वाला था। उसके बाद पार्टी में जाने के बाद ऋतिक कैटरीना को फाइनली एक ड्रामा क्रिएट करने को बोलता है, जिसमें कैटरीना माँ के सामने ऋतिक को एक तमाचा मारती। उसके बाद मानव यानी हमारा धमाल वाला मानव कैटरीना से मिलने आता है। इसके बाद ऋतिक के कहने पर कैटरीना उसे कोहिनूर का ऑफर देती है, जिसे हमारा धमाल वाला मानव ना नहीं कह पाता और उससे मिलने चल देता है। लेकिन ऋतिक उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि उसे डैनिडी का एड्रेस चाहिए, लेकिन वो डैनिडी का एड्रेस नहीं देता। तभी मानव के कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें मानव बुरी तरह से मारा जाता है और ऋतिक वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है। दूसरी तरफ वही सीक्रेट एजेंसी जो इंडिया में ऋतिक का पीछा कर रही थी कैटरीना को उठा लेती है और बोलती है कि कैटरीना ऋतिक एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक चोर है और उसने अभी धमालटू वाले मानव को भी मार दिया है, जिसका सारा इंजाम वह तुम्हारे सर पे भी डाल सकते हैं, इसलिए अगर बचना चाहती हो तो ऋतिक को हमारे पे पकड़वाने में मदद करो। उसके बाद कैटरीना को वह एक ट्रांसमीटर देते हैं और बोलते हैं कि जब ऋतिक तुम्हारे पास हो तब यह ट्रांसमीटर दबा देना, हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना इतनी चिड़ी हुई होती है कि उससे बेफालतू के सवाल करने लगती है। ऋतिक को उसकी बात सुनकर उस पर शक होता है, इसलिए वह उसे पुल के पास से गुजरने को बोलता है। उसके बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके पास एक ट्रांसमीटर है, जिसे ऋतिक दबा देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच जाती है, जो ऋतिक पर अटैक करती है और ऋतिक को एक गोली भी लग जाती है, जिसके बाद वो पानी में कूद जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया है। इसके बाद कैटरीना को भी उसके घर ड्रॉप कर दिया जाता है। घर आने के बाद कैटरीना और भी दुखी होने लगती है और हर बार उसके बारे में सोचने लगती है। उसके बाद उसे उस घर का मैप याद आता है जहाँ पर ऋतिक उसकी फ़ोटो सैटेलाइट से देख रहा था, तब वह उस सैटेलाइट वाले घर की मदद से उसके घर पर पहुँचती है, तब जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पिता और माँ से होती है। उसके पिता बताते हैं कि ऋतिक एक मिलिट्री वाला है। मैं उसके पिता दिखाते हैं कि उसके बड़े बेटे के तहत लंदन में जहाँ पर डैनिडी ने उसे मार दिया था। डैनिडी ने शुरुआती दौर में जिस ऑफिसर को मारा था वो ऋतिक का बड़ा भाई था। ऋतिक के पिता उसे ये भी बताते हैं कि वो 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। उसके बाद कैटरीना को यकीन हो जाता है कि ऋतिक अभी भी जिंदा है और वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौटने लगती है। घर लौटते समय ही उसे कुछ गुंडे उठा देते हैं और सीधा डैनिडी के अड्डे पर ले जाते हैं। उसके बाद डैनिडी को हमें दिखाया जाता है जिसके पास कोहिनूर होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि कोहिनूर तो सीक्रेट एजेंसी के पास पहुंच गया था, जिसे ऋतिक ने कैटरीना को मरते समय पहले ही दे दिया था। हमें पता चलता है सीक्रेट एजेंसी का वो ऑफिसर जो ऋतिक के पीछे लगा था वो डैनिडी के साथ मिला हुआ है। डैनिडी हथौड़े से वो कोहिनूर हीरा तोड़ देता है और बताता है कि कोहिनूर किसी हथौड़े से नहीं टूटा जा सकता और बार बार उससे पूछता है कि असली कोहिनूर हीरा कहाँ है। कैटरीना तब तक उन्हें कुछ नहीं बताती, लेकिन जब उसे एक सच्चाई बोलने वाला इंजेक्शन लगा जाता है तब वह बोलती है कि ऋतिक अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो तो मेरे जरिए तुम्हारा पीछा करना चाहता है, तुम ही अपना एड्रेस लेकर मुझे तक यहाँ पहुँच जाएगा, वो मेरे जरिए यहाँ तक पहुँचना चाहता था और वो जल्द ही यहाँ पर होगा,
सामने में ऋतिक को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और डेजर्ट में डेनेंडी के इलाके में पहुंच गया है और सबको एक एक करके मारते हुए और कुछ स्टिकी बॉम्ब ऐड करते हुए सीधा मेन प्लेस में एंटर करता है जहां पे उसका मुकाबला डेनेंडी से और उसके नमक हराम ऑफिसर से होता है। उसके बाद वह डेनेडी को बताता है कि जिस ऑफिसर को उसने लंदन में मारा था वो उसका बड़ा भाई था। उसके बाद ऋतिक यह भी बताता है कि MI6 ने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया जहां पर उसने कोहिनूर चुराने का नाटक किया, जबकि कोहिनूर तो आज तक चोरी हुआ ही नहीं था, वो अपनी जगह अभी तक सेफ है। उसके बाद ऋतिक के ये सब बताते ही उसके बनाए स्टिकी बम वहाँ पर धमाका कर शुरू कर देते हैं जिससे सब कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वहीं ऋतिक डेनेडी के सारे गुंडों को मार देता है। कैटरीना के होने वाले नशे के कारण वो उसे अलग ही बोलती है और अपना आपको उसके सामने प्रपोज करती है। उस धमाके में डेनेडी बच जाता है और गाड़ी से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक कैटरीना को लेकर बाइक पर उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद ऋतिक और कैटरीना को वो ब्रिज पर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ब्रिज पर डेनेडी के आदमी के साथ उसका मुकाबला होता है, लेकिन डेनेडी दूसरी तरफ अपने पुलिस ऑफिसर और कैटरीना के साथ जेटपैक पकड़कर उड़ने की कोशिश करता है। ऋतिक रोशन एक फास्ट ट्रैक कार चलाकर उसके इलाके तक पहुंचता है जहां पर वो जैकपैट पकड़ने वाला होता है। उसके बाद कैटरीना जो जैकपैट में होती है एक गुंडे से उसका बंदूक छीनकर प्लेन में गोले चलाना शुरू करते हैं जिससे वहां पर आग लग जाती है, जिसके बाद डेनेडी से साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को भी वह गोली मार देता है। डेनेडी के जैकपैट में ऋतिक रोशन कूद जाता है और उसका DN करके उस जैकपैट से कूद जाता है। उसके बाद हमें अगले शॉट में वो एक हॉस्पिटल में मिलता है। हॉस्पिटल में हमें उसी सीक्रेट एजेंट के सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उसकी तारीफ करता है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर उसे बोलता है कि उसे सीक्रेटली एक एजेंट बनकर उसके लिए काम करना होगा। सर बोलता है कि तुम अभी घर नहीं जा सकते और दुनिया की नज़र में तुम मर चुके हो, तुम्हें एक एजेंट बनाकर नए नए मिशन पर भेजा जाएगा। उसके बाद कैटरीना एक नर्स बनकर ऋतिक को वहां से ले जाती है और उसे उसके अपने घर ले जाती है। इसके बाद फाइनली ऋतिक अपने घर पहुंच जाता है, जिसके बाद उसका ये सपना भी पूरा हो जाता है। यही मूवी का एंड हो जाता है। गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो है व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप सभी। तो आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं उस मूवी का नाम है बैंग बैंग। यह मूवी 2 अक्टूबर 2014 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है। 100% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5 आउट ऑफ 10 है। इस मूवी के निर्माता फॉक स्टार स्टूडियो थे। वहीं इस मूवी के लेखक सुभाष नायर थे। इस मूवी में ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, लियोनार्डो डिकैप्रियो और जावेद जाफरी ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी का टोटल बजट 140 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ की कमाई करी। वहीं इस मूवी के संपादक आफिक अली थे। गाइस एक बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी की स्टार्टिंग लंदन से शुरू होती है जहां पर जमेश सिंह एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हमें दिखाई देते हैं। वो MI6 के एक हेडक्वार्टर में आए होते हैं जहां पर इंटरनेशनल टेररिस्ट एनडी को हाईटेक वाली जेल में रखा गया है, जहां जावेद जाफरी एज ए पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है। वो कहता है कि उसे इंडिया शिफ्ट किया जाएगा। डेनेडी बोलता है कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तभी कुछ देर बाद डेनेडी के कुछ टेररिस्ट हेडक्वार्टर में अटैक करते हैं। डेनेडी जावेद जाफरी को मारकर उस हेडक्वार्टर से निकल जाता है और अपने हेलीकॉप्टर में जाते हुए एक ही बात बोलता है कि उसे कोहिनूर चाहिए। अगले शॉट में दिखाया जाता है कि पूरी मीडिया में ये खबर फैली है कि किसी ने कोहिनूर चुरा लिया है। पूरी न्यूज़ में इस बात से हड़कंप मचा पड़ा है।
अगले शॉट में हमें ऋतिक रोशन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कोहिनूर होता है और वो इंडिया में भारी बारिश में घूम रहा होता है। वहीं मूवी का सीन शिमला की तरफ मूव किया जाता है जहाँ में कटरीना कैफ एज ए हीरोइन हमें दिखाई जाती है जिसकी दादी उसे शादी करने के लिए कहती है। उसके बाद उसकी दादी की कुछ पुरानी बातें भी उसकी दादी कटरीना को बताती है। न्यूज पे हमें ऋतिक रोशन का चेहरा दिखाया जाता है जो कोहिनूर चुराने की लिस्ट में शामिल होता है। वहीं कटरीना एज ए जॉब वर्कर अपने बैंक में पहुँचती है और अपना काम शुरू करती है। वहीं कटरीना अपने घर पहुँच कर डेट ऐप पर अपनी आईडी बनाती है तथा जिससे कि वो किसी से डेट कर सके। वहीं पास के गांव में हमें ऋतिक रोशन को भी दिखाया जाता है जो कुछ ब्लैक मैटर्स से मिलने आया होता है। वह एक ट्यूब में कोहिनूर को दिखाता है। उन ब्लैक मैटर के कहने पर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद हमें जबरदस्त चेस सीन दिखाया जाता है जिसमें ऋतिक रोशन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कूदता नजर आता है तो उन गुंडों को चश्मा देकर वहाँ से निकल जाता है। उसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट एजेंट को दिखाया जाता है जो कोहिनूर हीरे की खोज में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कटरीना कैफ यानी हमारी इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस अपने ब्लैंक डेट के लिए निकल पड़ती है और वो एक कैफे में पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन भी जो उन चोरों से भाग रहा था कटरीना को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो भी कैफे में घुस जाता है। कटरीना को लगता है कि वही उसका ब्लैंक डेट है और हमारा हीरो भी अपने आप को उसका डेटर बनाकर प्रेजेंट करता है और उसके साथ डेट करने लगता है। इसके बाद हमें एक बेहतरीन डांस प्रोग्राम दिखा जाता है जिसमें ऋतिक और कटरीना बहुत झूम कर नाचते हैं। हमारे हीरो और हीरोइन दोनों बहुत बात भी करते हैं। इसके बाद उसे सामला वाला एक गुंडा मिल जाता है जो उसके पीछे कोहिनूर के लिए लगा होता है। इसी बीच ऋतिक अपना कोहिनूर बॉक्स कैटरीना के बैग में डाल देता है। उसके बाद कैटरीना अपने वॉशरूम में चली जाती है अपने आप से ही कुछ अजीब अजीब बातें करने लगती हैं लेकिन ऋतिक बाहर गुंडों के साथ हाथापाई करने लगता है। तोड़ फोड़ इतनी हो जाती है उसके बाद ऋतिक वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जब कैटरीना वॉशरूम से वापस आती है तो कैफ़े का मैनेजर उसे पूरे कैफ़े का बिल थमा देता है। कटरीना किसी तरह मैनेजर को मनाकर और अपने पॉइंट के बॉस का विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए ऋतिक उसकी गाड़ी से दोबारा टकरा जाता है। तब वह कटरीना को बताता है कि वह उसके साथ डेट करने नहीं आया था बल्कि वो कोई और ही है और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। कटरीना उसे पीने के लिए पानी देती है लेकिन वो कहता है कि पहले मैं अपनी गोली अपनी बॉडी से निकाल लूँ। तब वह अपनी फुल स्टैंड बॉली को कटरीना को दिखाता है जिसे देखकर कटरीना पैदा हो जाती है। लेकिन उसी पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर कटरीना को दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद कटरीना अगले दिन अपने सीधा घर में उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इस तरह अपने घर वापस आई। उसके बाद कटरीना ऋतिक के ख्यालों में इतना खो जाती है कि हर वक्त उसका ही ध्यान करती रहती है। जब वह बैंक में काम कर रही होती है तो वही इंडियन गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑफिसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि तुम्हें उस चोर के साथ देखा गया है जिसने कोहिनूर चुराया है। कटरीना उसे अपना वारंट दिखाने को बोलती है लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। वहीं ऋतिक के बताए तरीके के अनुसार गाड़ी में एक बंदूक होनी चाहिए। तो वह सीट के नीचे से एक बंदूक निकालती है और पुलिस पर अनचाहा अटैक करने लगती है। इसी बीच ऋतिक भी बाइक राइडिंग करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और कटरीना को लेकर भागने लगता है और पीछे पुलिस पड़ जाती है। वहीं पीछे कुछ गुंडे भी पड़े होते हैं लेकिन कटरीना उसकी एक बात नहीं सुनती। इसी तरह ऋतिक गुंडों को पेल ही रहा होता है और कि कटरीना उसके पास से निकल जाती है और उसके सामने उसका बॉस आके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके बॉस का कार्ड उसने कैफे में दिया था जिसकी वजह से पुलिस उसे भी टॉर्चर कर चुकी है। वहीं ऋतिक आकर उसके बॉस की टांग पर एक गोली मारता है। उसके बाद ऋतिक उसके बॉस की गाड़ी और कटरीना दोनों को उठाकर निकल जाता है।
ना गाड़ी में जाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम हॉट हो लेकिन तुम गोलियां भी चलाते हो, इतने मतलब गुंडे क्यों पड़े हैं तुम्हारे पीछे। ऋतिक आगे गाड़ी रोककर एक उसी गाड़ी का डिक्की और लॉक खोल देता है। उसके बाद वह कैटरीना को उसकी चाबी देता है और बोलता है कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन कैटरीना उसी के साथ जाना पसंद करती है। गाड़ी एक्सचेंज करने के बाद भी पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। कुछ पुलिस वाले उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में होते हैं। इसके बाद ऋतिक सैटेलाइट से अपना घर का नज़ारा देखता है और कैटरीना को अपने पास्ट वाले इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है, जिससे कैटरीना पूरी तरह उसके बारे में नहीं जान पाती। ऋतिक कैटरीना को बस इतना बताता है कि वह डेहरादून पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहीं वह गाड़ी रोककर एक पिज्जा स्टेशन में पहुँचते हैं, जहाँ वह कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। वहीं वह कैटरीना को बताता है कि उसके पीछे गुंडे ऑफिस क्यों पड़े हैं, क्योंकि उसने कोहिनूर चुराया है। वहीं सीक्रेट एजेंसी का ऑफिसर भी वहां बैठा होता है जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और कैटरीना और ऋतिक को ना भागने की सलाह देता है। वहीं एजेंट कैटरीना को निर्दोष समझता है और ऋतिक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतिक कैटरीना के कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके साथ खाई में कूद जाता है। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को गाड़ी में ले जाता है, जहाँ पर फिर सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पर कैटरीना अपने आप को एक बीच पे पाती है और उसके कपड़े भी एक्सचेंज होते हैं। तब वह पूछता है कि मेरे कपड़े किसने एक्सचेंज करे, तब ऋतिक बताता है कि उसने बिना देखे तुम्हारे कपड़े एक्सचेंज करे हैं। कैटरीना गुस्से में ऋतिक का फ़ोन ले जाती है और नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है। नेटवर्क मिलते ही वह अपनी दादी को कॉल करती है, जिससे पुलिस एजेंसी और सीक्रेट एजेंसी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक के पास वापस आती है। उसके बाद कैटरीना पूछती है कि तुमने कोहिनूर चोरी क्यों किया, तब वह बताता है कि उसने डेनेडी के लिए इस कोहिनूर की चोरी की है, लेकिन वो डेनेडी को इस कोहिनूर का एक भी हिस्सा नहीं देगा। ऋतिक कैटरीना को यह भी बताता है कि वो आखिरकार सब कुछ समझ जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे उसका साथ देना होगा। उसके बाद कुछ गुंडे चेस करते हुए उस टापू पर भी पहुंच जाते हैं, जहां पर कैटरीना और ऋतिक भागने लगते हैं। उसके बाद ऋतिक उन गुंडों में से एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे डेनेडी का एड्रेस पूछता है, तब वह बताता है कि डेनेडी का एड्रेस उसे नहीं पता, वो हमारे धमाटू और धमालवन के मानव का एड्रेस ऋतिक रोशन को दे देता है। उसके बाद ऋतिक रोशन अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर और फुल स्पीड में स्विमिंग करता हुआ और गोलियां चलाता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है, साथ ही साथ वो गुंडों को अटैक भी करता है। उसके बाद ऋतिक और कैटरीना एक दूसरे बीच से पहुँचते हैं, जहां पर वो ट्रेन पकड़ कर पानपरा पहुँचाते हैं। कैटरीना ये देखकर हैरान होती है कि उसने बिना वीजा और लाइसेंस के पानपरा पहुँच गई है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक को बताती है कि उसने उसके बीच में ले जाकर और परंपरा लाकर उसके सपने पूरे किए हैं। उसके बाद कैटरीना ऋतिक से पूछती है कि उसका सपना क्या है, तब वह बताता है कि उसे अपने घर जाना है। उसके बाद हमें कैटरीना और ऋतिक के बीच कुछ रोमांटिक सीन वाले गाने दिखाए जाते हैं। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को एक ड्रेस ऑफर करता है और एक पार्टी में चलने को बोलता है। पार्टी में चलने से पहले कैटरीना बताती है कि उसे किस करना नहीं आता, जिसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक किस होता है, क्योंकि ऋतिक का प्लान नमार्टो वाले मानव का पीछा करना था और वो उसी पार्टी में मिलने वाला था। उसके बाद पार्टी में जाने के बाद ऋतिक कैटरीना को फाइनली एक ड्रामा क्रिएट करने को बोलता है, जिसमें कैटरीना माँ के सामने ऋतिक को एक तमाचा मारती है। उसके बाद मानव यानी हमारा धमाल वाला मानव कैटरीना से मिलने आता है। इसके बाद ऋतिक के कहने पर कैटरीना उसे कोहिनूर का ऑफर देती है, जिसे हमारा धमान वाला मानव ना नहीं कह पाता और उससे मिलने चल देता है, लेकिन ऋतिक उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच जाता है और बोलता है कि उसे डेनेडी का एड्रेस चाहिए, लेकिन वो डेनेडी का एड्रेस नहीं देता। तभी मानव के कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें मानव बुरी तरह से मारा जाता है और ऋतिक वहां से किसी तरह बच के निकल जाता है। उसी तरफ वही सीक्रेट एजेंसी जो इंडिया में ऋतिक का पीछा कर रही थी कैटरीना को उठा लेती है और बोलती है कि कैटरीना ऋतिक एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक चोर है और उसने अभी धमाटो वाले मानव को भी मार दिया है, जिसका सारा अंजाम वह तुम्हारे सर पे भी डाल सकते हैं, इसलिए अगर बचना चाहती हो तो ऋतिक को हमारे पकड़वाने में मदद करो।
उसके बाद कैटरीना को वो एक ट्रांसमीटर देते हैं और बोलते हैं कि जब ऋतिक तुम्हारे पास हो तब ये ट्रांसमीटर दबा देना, हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना इतनी चिड़ी हुई होती है कि उसे बेफालतू के सवाल करने लगती है। ऋतिक को उसकी बात सुनकर उस पर शक होता है, इसलिए वह उसे पुल के पास से गुजरने को बोलता है। बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके पास एक ट्रांसमीटर है जिसे ऋतिक को दबा देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच जाती है जो ऋतिक पर अटैक करती है और ऋतिक को एक गोली भी लग जाती है, जिसके बाद वो पानी में कूद जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया है। इसके बाद कैटरीना को भी उसके घर ड्रॉप कर दिया जाता है। घर आने के बाद कैटरीना और भी दुखी होने लगती है और हर बार उसके बारे में सोचने लगती है। उसके बाद उसे उस घर का मैप याद आता है जहाँ पर ऋतिक उसकी फ़ोटो सैटेलाइट से देख रहा था। तब वह उस सैटेलाइट वाले घर की मदद से उसके घर पर पहुँचती है, तब जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पिता और माँ से होती है। उसके पिता बताते हैं कि ऋतिक एक मिलिट्री वाला है। उसके पिता दिखाते हैं कि उसके बड़े बेटे की डेथ लंदन में हुई थी जहाँ पर डैनन डी ने उसे मार दिया था। डैनन डी ने शुरुआती दौर में जिस ऑफिसर को मारा था वो ऋतिक का बड़ा भाई था। ऋतिक के पिता उसे ये भी बताते हैं कि वो 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। उसके बाद कैटरीना को यकीन हो जाता है कि ऋतिक अभी भी जिंदा है और वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौटने लगती है। घर लौटते समय ही उसे कुछ गुंडे उठा रहे थे और सीधा डैनन डी के अड्डे पर ले जाते हैं। उसके बाद डैनिटी को हमें दिखाया जाता है जिसके पास कोहिनूर होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि कोहिनूर तो सीक्रेट एजेंसी के पास पहुंच गया था जिसे ऋतिक ने कैटरीना को मरते समय पहले ही दे दिया था। हमें पता चलता है सीक्रेट एजेंसी का वो ऑफिसर जो ऋतिक के पीछे लगा था वो डैनिटी के साथ मिला हुआ है। डैनिटी हथौड़े से वो कोहिनूर हीरा तोड़ देता है और बताता है कि कोहिनूर किसी हथौड़े से नहीं टूटा जा सकता और बार बार उससे पूछता है कि असली कोहिनूर हीरा कहाँ है। कैटरीना तब तक उन्हें कुछ नहीं बताती, लेकिन जब उसे एक सच्चाई बोलने वाला इंजेक्शन लगा जाता है तब वह बोलती है कि ऋतिक अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है, वो तो मेरे जरिए तुम्हारा पीछा करना चाहता है, तुम ही अपना एड्रेस लेकर मुझे तक यहाँ पहुँच जाएगा, वो मेरे जरिए यहाँ तक पहुँचना चाहता था और वो जल्द ही यहाँ पर होगा। हमें ऋतिक को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और डेजर्ट में डैनन डी के इलाके में पहुंच गया है और सबको एक एक करके मारते हुए और कुछ स्टिकी बॉम्ब ऐड करते हुए सीधा मेन प्लेस में एंटर करता है जहां पे उसका मुकाबला डैनन डी से और उसके नमक हराम ऑफिसर से होता है। उसके बाद वह डैनन डी को बताता है कि जिस ऑफिसर को उसने लंदन में मारा था वो उसका बड़ा भाई था। उसके बाद ऋतिक ये भी बताता है कि MI6 ने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया जहां पर उसने कोहिनूर चुराने का नाटक किया, जबकि कोहिनूर तो आज तक चोरी हुआ ही नहीं था, वो अपनी जगह अभी तक सेफ है। उसके बाद ऋतिक ये सब बताते ही उसके बनाए स्टिकी बॉम्ब वहां पर धमाका कर शुरू कर देते हैं जिससे सब कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वहीं ऋतिक डैनिडी के सारे गुंडों को मार देता है। कैटरीना के होने वाले नशे के कारण वो उसे अलविदा बोलती है और अपना आपको उसके सामने प्रपोज करती है। उस धमाके में डैनिडी बच जाता है और गाड़ी से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक कैटरीना को लेकर बाइक पर उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद ऋतिक और कैटरीना को वो ब्रिज पर पकड़ लेते हैं, जिसके बाद ब्रिज पर डैनिडी के आदमी के साथ उसका मुकाबला होता है, लेकिन डैनिडी दूसरी तरफ अपने पुलिस ऑफिसर और कैटरीना के साथ जेटपैक पकड़कर उड़ने की कोशिश करता है। ऋतिक रोशन एक फास्ट ट्रैक कार चलाकर उसके इलाके तक पहुंचता है जहां पर वो जैकपैट पकड़ने वाला होता है। उसके बाद कैटरीना जो जैकपैट में होती है एक गुंडे से उसका बंदूक छीनकर प्लेन में गोले चलाना शुरू करते हैं जिससे वहां पर आग लग जाती है, जिसके बाद डैनिडी से साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को भी वह गोली मार देता है। डैनिडी के जैकपैट में ऋतिक रोशन कूद जाता है और उसका DN करके उस जैकपैट से कूद जाता है। उसके बाद हमें अगले शॉट में वो एक हॉस्पिटल में मिलता है। हॉस्पिटल में हमें उसी सीक्रेट एजेंट के सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उसकी तारीफ करता है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर उसे बोलता है कि उसे सीक्रेटली एक एजेंट बनकर उसके लिए काम करना होगा। सर बोलता है कि तुम अभी घर नहीं जा सकते और दुनिया की नज़र में तुम मर चुके हो, तुम्हें एक एजेंट बनाकर नए नए मिशन पर भेजा जाएगा।
उसके बाद कैटरीना एक फेक नर्स बनकर ऋतिक को वहाँ से ले जाती है और उसे उसके अपने घर ले जाती है। इसके बाद फाइनली ऋतिक अपने घर पहुँच जाता है, जिसके बाद उसका यह सपना भी पूरा हो जाता है। यही मूवी का डी एंड रहता है। गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हैं आप सभी। तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, उस मूवी का नाम है बैन मैन। यह मूवी 2 अक्टूबर 2014 को थिएटर में रिलीज हुई थी। इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है। 100% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5/10 है। इस मूवी के निर्माता फॉक्स स्टार स्टूडियो थे। वहीं इस मूवी के लेखक सुभाष नायर थे। इस मूवी में ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, डेनोट फोजा और जावेद जाफरी ने मेन रोल प्ले किया है। इस मूवी का टोटल बजट 140 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ की कमाई करी। वहीं इस मूवी के संपादक आफिक अली थे। गाइस एक बात, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी की स्टार्टिंग लंदन से शुरू होती है, जहां पर जमेल सिंह एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हमें दिखाई देते हैं। वो MI6 के एक हेडक्वार्टर में आए होते हैं, जहाँ पर इंटरनेशनल टेररिस्ट NED को हाईटेक वाली जेल में रखा गया है, जहाँ जावेद जाफरी एज ए पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे इंडिया शिफ्ट किया जाएगा। NED बोलता है कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तभी कुछ देर बाद NED के कुछ टेररिस्ट हेडक्वार्टर में अटैक करते हैं। NED जावेद जाफरी को मारकर उस हेडक्वार्टर से निकल जाता है और अपने हेलीकॉप्टर में जाते हुए एक ही बात बोलता है कि उसे कोहिनूर चाहिए। अगले शॉट में दिखाया जाता है कि पूरी मीडिया में ये खबर फैली है कि किसी ने कोहिनूर चुरा लिया है। पूरी न्यूज़ में इस बात से हड़कंप मचा पड़ा है। अगले शॉट में हमें ऋतिक रोशन को दिखाया जाता है, जिसके हाथ में कोहिनूर होता है और वो इंडिया में भारी बारिश में घूम रहा होता है। वहीं मूवी का सीन शिमला की तरफ मूव किया जाता है, जहाँ में कैटरीना कैफ एज ए हीरोइन हमें दिखाई जाती है, जिसकी दादी उसे शादी करने के लिए कहती है। उसके बाद उसकी दादी की कुछ पुरानी बातें भी उसकी दादी कैटरीना को बताती है। न्यूज़ पे हमें ऋतिक रोशन का चेहरा दिखाया जाता है, जो कोहिनूर चुराने की लिस्ट में शामिल होता है। वहीं कैटरीना एज ए जॉब वर्कर अपने बैंक में पहुँचती है और अपना काम शुरू करती है। वहीं कैटरीना अपने घर पहुंचकर डेट ऐप पर अपनी आईडी बनाती है तथा जिससे कि वो किसी से डेट कर सके। वहीं पास के गांव में हमें ऋतिक रोशन को भी दिखाया जाता है, जो कुछ ब्लैक मैटर से मिलने आया होता है। वह एक ट्यूब में कोहिनूर को दिखाता है। उन ब्लैक मैटर के कहने पर कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद हमें जबरदस्त चेस सीन दिखाया जाता है, जिसमें ऋतिक रोशन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कूदता नजर आता है और उन गुंडों को चश्मा देकर वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट एजेंट को दिखाया जाता है, जो कोहिनूर हीरे के खोज में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ यानी हमारी इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस अपने ब्लैंक डेट के लिए निकल पड़ती है और वो एक कैफे में पहुँचती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन भी, जो उन चोरों से भाग रहा था, कैटरीना को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो भी कैफे में घुस जाता है। कैटरीना को लगता है कि वही उसका ब्लैंक डेट कर है और हमारा हीरो भी अपने आप को उसका डेटर बनाकर प्रेजेंट करता है और उसके साथ डेट करने लगता है। इसके बाद हमें एक बेहतरीन डांस प्रोग्राम दिखाया जाता है, जिसमें ऋतिक और कैटरीना बहुत झूमकर नाचते हैं। हमारे हीरो और हीरोइन दोनों बहुत बात भी करते हैं। इसके बाद उसे सामला वाला एक गुंडा मिल जाता है, जो उसके पीछे कोहिनूर के लिए लगा होता है। इसी बीच ऋतिक अपना कोहिनूर बॉक्स कैटरीना के बैग में डाल देता है। इसके बाद कैटरीना अपने वॉशरूम में चली जाती है।
अपने आप से ही कुछ अजीब और गरीब बातें करने लगती है। लेकिन ऋतिक बाहर उन गुंडों के साथ हाथापाई करने लगता है, तोड़ फोड़ इतनी हो जाती है। उसके बाद ऋतिक वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जब कटरीना वॉशरूम से वापस आती है तो कैफ़े का मैनेजर उसे पूरे कैफ़े का बिल थमा देता है। कटरीना किसी तरह मैनेजर को मना कर और अपने बॉय के बॉस का विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए ऋतिक उसकी गाड़ी से दोबारा टकरा जाता है। तब वह कटरीना को बताता है कि वह उसके साथ डेट करने नहीं आया था, बल्कि वो कोई और ही है और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। कटरीना उसे पीने के लिए पानी देती है, लेकिन वो कहता है कि पहले मैं अपनी गोली अपनी बॉडी से निकाल लूँ। तब वह अपनी फुल स्टैंड बॉडी को कटरीना को दिखाता है, जिसे देखकर कटरीना विदा हो जाती है। लेकिन ऋतिक उसी पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर कटरीना को दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद कटरीना अगले दिन अपने सीधा घर में उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो किस तरह अपने घर वापस आई। उसके बाद कटरीना ऋतिक के ख्यालों में इतना खो जाती है कि हर वक्त उसका ही ध्यान करती रहती है। जब वह बैंक में काम कर रही होती है तो वही इंडियन गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑफिसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, क्योंकि तुम्हें उस चोर के साथ देखा गया है जिसने कोई नोट चुराया है। कटरीना उसे अपना वारंट दिखाने को बोलती है, लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। वहीं ऋतिक के बताए तरीके के अनुसार गाड़ी में एक बंदूक होनी चाहिए। तो वह सीट के नीचे से एक बंदूक निकालती है और पुलिस पर अनचाह अटैक करने लगती है। इसी बीच ऋतिक भी बाइक राइडिंग करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और कटरीना को लेकर भागने लगता है और पीछे पुलिस पड़ जाती है। वहीं पीछे कुछ गुंडे भी पड़े होते हैं, लेकिन कटरीना उसकी एक बात नहीं सुनती। उसी तरफ ऋतिक गुंडों को पेल ही रहा होता है और कि कटरीना उसके पास से निकल जाती है और उसके सामने उसका बॉस आके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसके बॉस का कार्ड उसने कैफे में दिया था, जिसकी वजह से पुलिस उसे भी टॉर्चर कर चुकी है। वहीं ऋतिक आकर उसके बॉस की टांग पर एक गोली मारता है। उसके बाद ऋतिक उसके बॉस की गाड़ी और कटरीना दोनों को उठाकर निकल जाता है। कटरीना गाड़ी में जाते हुए उससे बोलते हैं कि तुम हॉट हो, लेकिन तुम गोलियाँ क्यों चलाते हो, इतने मतलब गुंडे क्यों पड़े हैं तुम्हारे पीछे। ऋतिक आगे गाड़ी रोककर एक दूसरी गाड़ी का डिक्की और लॉक खोल देता है। उसके बाद वह कटरीना को उसकी चाबी देता है और बोलता है कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन कटरीना उसी के साथ जाना पसंद करती है। गाड़ी एक्सचेंज करने के बाद भी पुलिस उनका पीछा कर रही होती है। कुछ पुलिस वाले उन्हें पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में होते हैं। इसके बाद ऋतिक सैटेलाइट से अपना घर का नज़ारा देखता है और कटरीना को अपने पास्ट वाले इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है, जिससे कटरीना पूरी तरह उसके बारे में नहीं जान पाती। ऋतिक कटरीना को बस इतना बताता है कि वह डेहराडून पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहीं वह गाड़ी रोककर एक पिज्जा स्टेशन में पहुँचते हैं, जहाँ वह कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। वहीं वह कटरीना को बताता है कि उसके पीछे गुंडे और पुलिस क्यों पड़े हैं, क्योंकि उसने कोई नोट चुराया है। वहीं सीक्रेट एजेंसी का ऑफिसर भी वहां बैठा होता है, जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और कटरीना और ऋतिक को ना भागने की सलाह देता है। वहीं एजेंट कटरीना को निर्दोष समझता है और ऋतिक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतिक कटरीना के कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके साथ खाई में कूद जाता है। उसके बाद ऋतिक कटरीना को गाड़ी में ले जाता है, जहाँ पर फिर सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है, जहाँ पर कटरीना अपने आप को एक बीच पे पाती है और उसके कपड़े भी एक्सचेंज होते हैं। तब वह पूछता है कि मेरे कपड़े किसने एक्सचेंज करे। तब ऋतिक बताता है कि उसने बिना देखे तुम्हारे कपड़े एक्सचेंज करे हैं। कटरीना गुस्से में ऋतिक का फ़ोन ले जाती है और नेटवर्क ढूंढने की कोशिश करती है। नेटवर्क मिलते ही वह अपनी दादी को कॉल करती है, जिससे पुलिस एजेंसी और सीक्रेट एजेंसी को उसकी लोकेशन का पता चल जाता है। उसके बाद कटरीना ऋतिक के पास वापस आती है। उसके बाद कटरीना पूछती है कि तुमने कोहिनूर चोरी क्यों किया। तब वह बताता है कि उसने डेनेडी के लिए इस कोहिनूर की चोरी की है, लेकिन वो डेनेडी को इस कोहिनूर का एक भी हिस्सा नहीं देगा। ऋतिक कटरीना को यह भी बताता है कि वो आखिरकार सब कुछ समझ जाएगी, लेकिन फिलहाल उसे उसका साथ देना होगा। उसके बाद कुछ गुंडे चेस करते हुए उस टापू में भी पहुंच जाते हैं, जहां पर कटरीना और ऋतिक भागने लगते हैं। उसके बाद ऋतिक उन गुंडों में से किसी एक आदमी को पकड़ लेता है और उससे डेनेडी का एड्रेस पूछता है,
तब वह बताता है कि डैनिटी का एड्रेस उसे नहीं पता। वो हमारे धमाल टू और धमाल वन के मानव का एड्रेस ऋतिक रोशन को दे देता है। इसके बाद ऋतिक रोशन अपना स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर और फुल स्पीड में स्विमिंग करता हुआ और गोलियां चलाता हुआ वहां से भागने की कोशिश करता है। साथ ही साथ वो गुंडों पर अटैक भी करता है। इसके बाद ऋतिक और कैटरीना एक दूसरे बीच से पहुँचते हैं जहाँ पर वो ट्रेन पकड़ कर पानपराग पहुँच जाते हैं। कैटरीना ये देखकर हैरान होती है कि उसने बिना वीजा और लाइसेंस के पानपराग पहुँच गई है। उसके बाद कैटरीना ऋतिक को बताती है कि उसने उसके बीच में ले जाकर और पानपराग लाकर उसके सपने पूरे किए हैं। उसके बाद कैटरीना ऋतिक से पूछती है कि उसका सपना क्या है, तब वह बताता है कि उसे अपने घर जाना है। इसके बाद हमें कैटरीना और ऋतिक के बीच कुछ रोमांटिक सीन वाले गाने दिखाए जाते हैं। इसके बाद ऋतिक कैटरीना को एक ड्रेस ऑफर करता है और एक पार्टी में चलने को बोलता है। पार्टी में चलने से पहले कैटरीना बताती है कि उसे किस करना नहीं आता, जिसके बाद दोनों के बीच एक रोमांटिक किस होता है। कि ऋतिक का प्लान नंबर टू वाले मानव का पीछा करना था और वो उसी पार्टी में मिलने वाला था। इसके बाद पार्टी में जाने के बाद ऋतिक कैटरीना को फाइनली एक ड्रामा क्रिएट करने को बोलता है, जिसमें कैटरीना माँ के सामने ऋतिक को एक तमाचा मारती है। उसके बाद मानव ये हमारा धमाल वाला मानव कैटरीना से मिलने आता है। इसके बाद ऋतिक के कहने पर कैटरीना उसे कोहिनूर का ऑफर देती है, जिसे हमारा धमाल वाला मानव ना नहीं कह पाता और उससे मिलने चल देता है। लेकिन ऋतिक उसका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाता है और बोलता है कि उसे डैनिडी का एड्रेस चाहिए, लेकिन वो डैनिडी का एड्रेस नहीं देता। तभी मानव के कुछ गुंडे उस पर हमला कर देते हैं, जिसमें मानव बुरी तरह से मारा जाता है और ऋतिक वहाँ से किसी तरह बच के निकल जाता है। उसी तरफ वही सीक्रेट एजेंसी जो इंडिया में ऋतिक का पीछा कर रही थी कैटरीना को उठा लेती है और बोलती है कि कैटरीना ऋतिक एक अच्छा लड़का नहीं है, वो एक चोर है और उसने अभी धमाल टू वाले मानव को मार दिया है, जिसका सारा इंजाम वह तुम्हारे सर पे भी डाल सकते हैं। इसलिए अगर बचना चाहती हो तो ऋतिक को हमारे पे पकड़वाने में मदद करो। उसके बाद कैटरीना को वह एक ट्रांसमीटर देते हैं और बोलते हैं कि जब ऋतिक हमारे पास हो तब यह ट्रांसमीटर दबा देना, हम तुरंत वहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को लेकर वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कैटरीना इतनी चिड़ी हुई होती है कि उससे बेफालतू के सवाल करने लगती है। ऋतिक को उसकी बात सुनकर उस पर शक होता है, इसलिए वह उसे पुल के पास से गुजरने को बोलता है। बाद उसे समझ आ जाता है कि उसके पास एक ट्रांसमीटर है, जिसे ऋतिक को दबा देता है। उसके बाद पुलिस वहाँ तुरंत पहुँच जाती है, जो ऋतिक पर अटैक करती है और ऋतिक को एक गोली भी लग जाती है, जिसके बाद वो पानी में कूद जाता है। सबको लगता है कि वो मर गया है। इसके बाद कैटरीना को भी उसके घर ड्रॉप कर दिया जाता है। घर आने के बाद कैटरीना और भी दुखी होने लगती है और हर बार उसके बारे में सोचने लगती है। उसके बाद उसे उस घर का मैप याद आता है जहाँ पर ऋतिक उसकी फ़ोटो सैटेलाइट से देख रहा था। तब वह उस सैटेलाइट वाले घर की मदद से उसके घर पर पहुँचती है, तब जहाँ पर उसकी मुलाकात उसके पिता और माँ से होती है। उसके पिता बताते हैं कि ऋतिक एक मिलिट्री वाला है। मैं उसके पिता दिखाते हैं कि उसके बड़े बेटे की डेथ लंदन में हुई थी, जहाँ पर डैनिडी ने उसे मार दिया था। डैनिडी ने शुरुआती दौर में जिस ऑफिसर को मारा था वो ऋतिक का बड़ा भाई था। ऋतिक के पिता उसे ये भी बताते हैं कि वो 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता है। उसके बाद कैटरीना को यकीन हो जाता है कि ऋतिक अभी भी जिंदा है और वो खुशी खुशी अपने घर वापस लौटने लगती है। घर लौटते समय ही उसे कुछ गुंडे उठा रहे थे और सीधा डैनिडी के अड्डे पर ले जाते हैं। उसके बाद डैनिडी को हमें दिखाया जाता है, जिसके पास कोहिनूर होता है, लेकिन हमें पता चलता है कि कोहिनूर तो सीक्रेट एजेंसी के पास पहुंच गया था, जिसे ऋतिक ने कैटरीना को मरते समय पहले ही दे दिया था। हमें पता चलता है सीक्रेट एजेंसी का वो ऑफिसर जो ऋतिक के पीछे लगा था वो डैनिडी के साथ मिला हुआ है। डैनिडी हथौड़े से वो कोहिनूर हीरा तोड़ देता है और बताता है कि कोहिनूर किसी हथौड़े से नहीं टूटा जा सकता और बार बार उससे पूछता है कि असली कोहिनूर हीरा कहाँ है। कैटरीना तब तक उन्हें कुछ नहीं बताती, लेकिन जब उसे एक सच्चाई बोलने वाला इंजेक्शन लगा जाता है तब वह बोलती है कि ऋतिक अभी तक मरा नहीं है, वो जिंदा है। वो तो मेरे ज़रिए तुम्हारा पीछा करना चाहता है, तुम ही अपना एड्रेस लेकर मुझे तक यहाँ पहुँच जाएगा। वो मेरे ज़रिए यहाँ तक पहुँचना चाहता था,
और वो जल्द ही यहाँ पर होगा। हमें ऋतिक को दिखाया जाता है जो अभी भी जिंदा है और डेजर्ट में टेनेंडी के इलाके में पहुँच गया है और सबको एक एक करके मारते हुए और कुछ स्टिकी बॉम्ब ऐड करते हुए सीधा मेन प्लेस में एंटर करता है जहाँ पे उसका मुकाबला टेनेंडी से और उसके नमक हराम ऑफिसर से होता है। उसके बाद वह आइडेंटिटी को बताता है कि जिस ऑफिसर को उसने लंडन में मारा था वो उसका बड़ा भाई था। उसके बाद ऋतिक यह भी बताता है कि MI6 ने उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया जहां पर उसने कोहिनूर चुराने का नाटक किया, जबकि कोहिनूर तो आज तक चोरी हुआ ही नहीं था, वो अपनी जगह अभी तक सेफ है। उसके बाद ऋतिक यह सब बताते ही उसके बनाए स्टिकी बॉम्ब वहाँ पर धमाका कर शुरू कर देते हैं जिससे सब कंफ्यूजन में आ जाते हैं। वहीं ऋतिक टेनेडी के सारे गुंडों को मार देता है। कैटरीना के होने वाले नशे के कारण वो उसे अलग ही बोलती है और अपना आपको उसके सामने प्रपोज करती है। उस धमाके में टेनेडी बच जाता है और गाड़ी से भागने लगता है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक कैटरीना को लेकर बाइक पर उसका पीछा करने लगता है। उसके बाद ऋतिक और कैटरीना को वो ब्रिज पर पकड़ लेते हैं। इसके बाद ब्रिज पर टेनेडी के आदमियों के साथ उसका मुकाबला होता है, लेकिन टेनेडी दूसरी तरफ अपने पुलिस ऑफिसर और कैटरीना के साथ जेटपैक पकड़कर उड़ने की कोशिश करता है। ऋतिक रोशन एक फास्ट ट्रैक कार चलाकर उसके इलाके तक पहुंचता है जहां पर वो जेटपैक पकड़ने वाला होता है। उसके बाद कैटरीना जो जेटपैक में होती है एक गुंडे से उसका बंदूक छीनकर प्लेन में गोले चलाना शुरू करते हैं जिससे वहाँ पर आग लग जाती है, जिसके बाद टेनेडी से साथ उसकी हाथापाई हो जाती है। उसके बाद पुलिस ऑफिसर को भी वह गोली मार देता है। टेनेडी के जैकपैट में ऋतिक रोशन कूद जाता है और उसका डीएन करके उस जैकपैट से कूद जाता है। उसके बाद हमें अगले शॉट में वो एक हॉस्पिटल में मिलता है। हॉस्पिटल में हमें उसी सीक्रेट एजेंट के सीनियर ऑफिसर को दिखाया जाता है जो उसकी तारीफ करता है। इसके बाद सीनियर ऑफिसर उसे बोलता है कि उसे सीक्रेटली एक एजेंट बनकर उसके लिए काम करना होगा। तब बोलता है कि तुम अभी घर नहीं जा सकते और दुनिया की नज़र में तुम मर चुके हो, तुम्हें एक एजेंट बनाकर नए नए मिशन पर भेजा जाएगा। उसके बाद कैटरीना एक फेक नर्स बनकर ऋतिक को वहां से ले जाती है और उसे उसके अपने घर ले जाती है। इसके बाद फाइनली ऋतिक अपने घर पहुँच जाता है जिसके बाद उसका यह सपना भी पूरा हो जाता है। यही मूवी का डी एंड होता है। गाइस आपको ये वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तब के लिए टाटा एंड बाय बाय। अपनी अगली वीडियो के साथ तब तक फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। हेलो है और सब गाइस, तो कैसे आप सभी? तो आज हम इस मूवी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। उस मूवी का नाम है बैंग बैंग। यह मूवी 2 अक्टूबर 2014 को थिएटर में रिलीज हुई। इस मूवी के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद है। 100% लोगों ने इस मूवी को पसंद किया है। वहीं इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.5/10 है। इस मूवी के निर्माता 4 Star Studio थे। वहीं इस मूवी के लेखक सुभाष नायर थे। इस मूवी में ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ, डेनोटी फोजा और जावेद जाफरी ने मेन लीड रोल प्ले किया है। इस मूवी का टोटल बजट 140 करोड़ का था। वहीं इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 175 करोड़ की कमाई करी। वहीं इस मूवी के संपादक आफिक अली थे। गाइस एक बात हो, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पर आने वाली लेटेस्ट अपडेट को जानने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। तो मूवी की स्टार्टिंग लंदन से शुरू होती है जहाँ पर जमीन सिंह एक पुलिस ऑफिसर के रोल में हमें दिखाई देते हैं। वो MI6 के एक हेडक्वार्टर में आए होते हैं जहाँ पर इंटरनेशनल टेररिस्ट एनडी को हाईटेक वाली जेल में रखा गया है जहाँ जावेद जाफरी एज ए पुलिस ऑफिसर उससे मिलने आता है और कहता है कि उसे इंडिया शिफ्ट किया जाएगा। टेनेडी बोलता है कि वो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। तभी कुछ देर बाद टेनेडी के कुछ टेररिस्ट हेडक्वार्टर में अटैक करते हैं। टेनेडी जावेद जाफरी को मारकर उस हेडक्वार्टर से निकल जाता है और अपने हेलीकॉप्टर में जाते हुए एक ही बात बोलता है कि उसे कोहिनूर चाहिए। अगले शॉट में दिखाया जाता है कि पूरी मीडिया में ये खबर फैली है कि किसी ने कोहिनूर चुरा लिया है।
पूरी न्यूज में इस बात से हड़कंप मचा पड़ा है। अगले शॉट में हमें ऋतिक रोशन को दिखाया जाता है जिसके हाथ में कोहिनूर होता है और वो इंडिया में भारी बारिश में घूम रहा होता है। वहीं मूवी का सीन शिमला की तरफ मूव किया जाता है जहां में कैटरीना कैफ एज ए हीरोइन हमें दिखाई जाती है जिसकी दादी उसे शादी करने के लिए कहती है। उसके बाद उसकी दादी की कुछ पुरानी बातें भी उसकी दादी कैटरीना को बताती है। इन न्यूज पे हमें ऋतिक रोशन का चेहरा दिखाया जाता है जो कोहिनूर चुराने की लिस्ट में शामिल होता है। वहीं कैटरीना एज ए जॉब वर्कर अपने बैंक में पहुंचती है और अपना काम शुरू करती है। वहीं कैटरीना अपने घर पहुंचकर डेट ऐप पर अपनी आईडी बनाती है तथा जिससे कि वो किसी से डेट कर सके। वहीं पास के गांव में हमें ऋतिक रोशन को भी दिखाया जाता है जो कुछ ब्लैक मैन कैटर्स से मिलने आया होता है। वह एक युग में कोहिनूर को दिखाता है। उन ब्लैक मैटर के कहने पर कुछ बंदे उसके पीछे पड़ जाते हैं। उसके बाद हमें जबरदस्त चेस सीन दिखाया जाता है जिसमें ऋतिक रोशन एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग को कूदता नजर आता है तो उन गुंडों को चश्मा देकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद हमें इंडियन गवर्नमेंट के कुछ सीक्रेट एजेंट को दिखाया जाता है जो कोहिनूर हीरे की खोज में लगे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ कैटरीना कैफ यानी हमारी इस फिल्म की मेन एक्ट्रेस अपने ब्लैंक डेट के लिए निकल पड़ती है और वो एक कैफे में पहुंचती है। वहीं दूसरी तरफ ऋतिक रोशन भी जो उन चोरों से भाग रहा था कैटरीना को देखकर उस पर फिदा हो जाता है और वो भी कैफे में घुस जाता है। कैटरीना को लगता है कि वही उसका ब्लैंक डेट कर है और हमारा हीरो भी अपने आप को उसका डेटर बनाकर प्रेजेंट करता है और उसके साथ डेट करने लगता है। इसके बाद हमें एक बेहतरीन डांस प्रोग्राम दिखा जाता है जिसमें ऋतिक और कैटरीना बहुत झूम कर नाचते हैं। हमारे हीरो और हीरोइन दोनों बहुत बात भी करते हैं। इसके बाद उसे सामला वाला एक गुंडा मिल जाता है जो उसके पीछे कोहिनूर के लिए लगा होता है। इसी बीच ऋतिक अपना कोहिनूर बॉक्स कैटरीना के बैग में डाल देता है। इसके बाद कैटरीना अपने वॉशरूम में चली जाती है और अपने आप से ही कुछ अजीब और गरीब बातें करने लगती हैं। लेकिन ऋतिक बाहर उन गुंडों के साथ हाथापाई करने लगता है, तोड़ फोड़ इतनी हो जाती है। उसके बाद ऋतिक वहाँ से गायब हो जाता है। लेकिन जब कैटरीना वॉशरूम से वापस आती है तो कैफे का मैनेजर उसे पूरे कैफे का बिल थमा देता है। कैटरीना किसी तरह मैनेजर को मना कर और अपने पोएम के बॉस का विजिटिंग कार्ड देकर वहाँ से निकल जाती है। रास्ते में जाते हुए ऋतिक उसकी गाड़ी से दोबारा टकरा जाता है। तब वह कैटरीना को बताता है कि वह उसके साथ डेट करने नहीं आया था बल्कि वो कोई और ही है और उसके पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। कैटरीना उसे पीने के लिए पानी देती है लेकिन वो कहता है कि पहले मैं अपनी गोली अपनी बॉडी से निकाल लूँ। तब वह अपनी फुल स्टैंड बॉडी को कैटरीना को दिखाता है जिसे देखकर कैटरीना फिदा हो जाती है। उसी पानी में बेहोशी की दवा मिलाकर कैटरीना को दे देता है और वो बेहोश हो जाती है। उसके बाद कैटरीना अगले दिन अपने सीधा घर में उठती है। उसे यकीन नहीं होता कि वो इस तरह अपने घर वापस आई। उसके बाद कैटरीना ऋतिक के ख्यालों में इतना खो जाती है कि हर वक्त उसका ही ध्यान करती रहती है। जब वह बैंक में काम कर रही होती है तो वही इंडियन गवर्नमेंट के सीक्रेट ऑफिसर आ जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा क्योंकि तुम्हें उस चोर के साथ देखा गया जिसने कोहिनूर चुराया है। कैटरीना उसे अपना वारंट दिखाने को बोलती है लेकिन वो उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठा कर ले जाते हैं। वहीं ऋतिक के बताए तरीके के अनुसार गाड़ी में एक बंदूक होनी चाहिए। तो वह सीट के नीचे से एक बंदूक निकालती है और पुलिस पर अनचाहा अटैक करने लगती है। इसी बीच ऋतिक की बाइक राइडिंग करता हुआ वहाँ पहुँच जाता है और कैटरीना को लेकर भागने लगता है और पीछे पुलिस पड़ जाती है। वहीं पीछे कुछ गुंडे भी पड़े होते हैं लेकिन कैटरीना उसकी एक बात नहीं सुनती। उसी तरफ ऋतिक गुंडों को पेल ही रहा होता है और कि कैटरीना उसके पास से निकल जाती है और उसके सामने उसका बॉस आके खड़ा हो जाता है क्योंकि उसके बॉस का कार्ड उसने कैफे में दिया था जिसकी वजह से पुलिस उसे भी टॉर्चर कर चुकी है। वहीं ऋतिक आकर उसके बॉस की टांग पर एक गोली मारता है। उसके बाद ऋतिक उसके बॉस की गाड़ी और कैटरीना दोनों को उठाकर निकल जाता है।
ना गाड़ी में जाते हुए उसे बोलते हैं कि तुम हॉट हो लेकिन तुम गोलियाँ क्यों चलाते हो, इतने मतलब गुंडे क्यों पड़े हैं तुम्हारे पीछे। ऋतिक आगे गाड़ी रोक कर एक दूसरी गाड़ी का डिक्की और लॉक खोल देता है। उसके बाद वह कैटरीना को उसकी चाबी देता है और बोलता है कि वो यहाँ से जा सकती है, लेकिन कैटरीना उसी के साथ जाना पसंद करती है। गाड़ी एक्सचेंज करने के बाद भी पुलिस उनका पीछा कर रही होती है, कुछ पुलिस वाले उन्हें पहचान नहीं पाते क्योंकि वो दूसरी गाड़ी में होते हैं। इसके बाद ऋतिक सैटेलाइट से अपना घर का नज़ारा देखता है और कैटरीना को अपने पास्ट वाले इंसिडेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत बताता है, जिससे कैटरीना पूरी तरह उसके बारे में नहीं जान पाती। ऋतिक कैटरीना को बस इतना बताता है कि वह डायग्रूम पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। वहीं वह गाड़ी रोक कर एक पिज्जा स्टेशन में पहुँचते हैं जहाँ वह कुछ कोल्ड ड्रिंक वगैरह और पिज्ज़ा ऑर्डर करते हैं। वहीं वह कैटरीना को बताता है कि उसके पीछे गुंडे और पुलिस क्यों पड़े हैं, क्योंकि उसने कोहिनूर चुराया है। वहीं सीक्रेट एजेंसी का ऑफिसर भी वहां बैठा होता है जो उन्हें चारों तरफ से घेरे हुए हैं, और कैटरीना और ऋतिक को ना भागने की सलाह देता है। वहीं एजेंट कैटरीना को निर्दोष समझता है और ऋतिक को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ऋतिक कैटरीना के कनपट्टी पर बंदूक रखकर उसके साथ खाई में कूद जाता है। उसके बाद ऋतिक कैटरीना को गाड़ी में ले जाता है जहाँ पर फिर सुबह का नज़ारा दिखाया जाता है।